हेलो हिमांक सर चेक ऑडियो वीडियो एंड फोकस क्या स्टार्ट हो गए हो गए सर इज लाइफ Just, uh, let the voice. Okay, light. Let us see. Okay. गाइज आई थिंक लाइव बट एक सेकेंड उपरा मुझे ना चैट बॉक्स ओपन करने दो स्टार्ट करें फर्स्ट hey जनवरी uh, पर हूँ आपके सामने कोशिश तो कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा रहे बट एक्चुअली <laughs> आज uh, स्टाफ बहुत कम है सो <laughs> <So, laughs> थोड़ा मैं आपसे सपोर्ट की ज़रूरत है ज़्यादा कितने <laughs> लोग लाइव अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा बिकॉज कभी सारी चीज़ें यू नो के पीपल आर नॉट नॉट देयर सो यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है हमें आपके ना कमेंट्स वगैरह देखने के लिए ओहो यस अब लग रहा है कमेंट आपके दिख जाएंगे <laughs> मेहनत भरी शुरुआत नए साल की कौन कौन है मुझे दिख तो जाए वहाँ कोई आया हुआ तो नहीं है ना है कोई आया हुआ ओहो एक दो हैं यार ये YouTube वाले ऐड बैक टू बैक ऐड चलाते हैं YouTube वाले हाँ चलो बैक टू बैक ऐड चलाते हैं जी 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 <laughs> <laughs> खुद को बोलते हुए देखना लाइव मज़ार होता है लेकिन है ना तो गाइस क्या हालचाल है बताओ यार आज सुबह विजय श्री ओके हाय सर एम नवमी ओके नवमी वाटसाप क्या हालचाल है थ्रू अमन सक्सेस एडुकेशन थ्रू अमन हैप्पी न्यू ईयर वाट सब क्या हाल क्या हालचाल है बताओ आज क्या कर रहे हो अभी सुबह सुबह मैं आ गया सुबह तो नहीं बट हाँ यस ऑलमोस्ट सुबह आ गया यार पहुँच गया आईने की गिब्रीम के लिए फर्स्ट जनवरी से क्या अच्छा दिन हो सकता है है ना चलो अब तो चैट बॉक्स तो लगता है यहाँ पर ही दिखेगा आज तो <laughs> बीच में ना थोड़ा मैं कोशिश फिर करूँगा कि चैट जो है फिर सामने स्क्रीन पर आ जाए बट चलो शुरू करते हैं आज है ना अरे यार मैं क्या बोलूँ मैं इतने अच्छे से मैं तैयार होकर हो के नहा धो के आया लेकिन जो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे बहुत नींद की ज़रूरत <laughs> फर्स्ट जैन पर है ना ओके विजय श्री फाइन Yo, सर hmm. <laughs> अच्छा उसके बाद हर्ट लगाया वो है. <laughs> मुझे लगा ऐसा नाम लिखा है तो में बंदा। चलो आज तो बॉक्स मोबाइल के हवाले है सो मोबाइल के हवाले रहने देते हैं थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं स्टार्ट करते हैं जो हमारा काम है काम क्या है आयनिक इक्लिब्रियम को आयनिक एकलु, इक्लिब्रियम को जिस तरह से हमने केमिकल इक्लिब्रियम का सेक्शन बहुत ही स्मार्टली कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी उसकी वैसे ही आयनिक इक्लिब्रियम में ना बातों को सीखते हैं हाँ मैं फिर से बता दूँ कोई ये टू ईयर कोर्स नहीं है या वन ईयर कोर्स नहीं है तो टू ईयर कोर्स और वन ईयर कोर्स है उसमें और भी ज़्यादा क्लासेस मिलती हैं तो और भी ज्यादा इलेबरेटेड वे में हम जो है उसे डिस्कस करते हैं समझते हैं है ना वन सेकेंड मी स्विच ऑफ दिस मोबाइल आल्सो यप सो चैट आज मोबाइल के हवाले आज स्क्रीन पर नहीं देखेंगे आप यहाँ पर बताते रहिए आज आप मेरे हाथों में यहाँ पर यहाँ मैं देखते रहूँगा थोड़ा सा थोड़ी मेहनत है बट कोई बात नहीं अच्छी बात इससे अच्छी बात क्या हो सकती है इस साल की शुरुआत जो है वो और ज़्यादा बड़ी मेहनत से हम कर रहे हैं सो so, क्या है गाइस हमारा आज का ये पर्पस आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को देखना और यार ये एक सेकंड मुझे सेलेक्ट करने दो ये जो होता है ना इसे सेलेक्ट करने दो मुझे कौन सा था मैंने सिलेक्ट किया हुआ दिस वन ज़्यादा अच्छा किससे लिखाता है लास्ट में उससे लिखूंगा जैसे ना ज़्यादा खूबसूरत हैंड राइटिंग बनती है <laughs> कौन सा था मैं ये वाला हाँ ठीक है बेटर 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 सो so, आयनिक इक्विलिब्रियम इस पर चलने से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स याद है तो बात बनेगी

इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? से जो याद होने चाहिए सबसे पहले जब कभी भी आप केमिकल इक्विब्रियम आइनिक इक्म किसी के क्वेश्चन देखते हो अच्छा अभी मैं बता दू कि हमारा जो बैटल चार्जर एपिसोड होता है जिसमें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वो चल रहा है वो फिर आएगा आई थिंक दैट आइनिक की दो क्लास के बाद है सो so, आपको याद है लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे बैटल चार्जर वाले में हमने क्या किया था कि फर्स्ट स्टेज एन इंटरनेशनल ओलंपियाड जो हमारे जो ओलंपियाड के जो पांच स्टेजेस हैं उसमें पहला स्टेज का जो पेपर था वो डिस्कस कर रहे थे आपके पहले स्टेज और दूसरे स्टेज दोनों एक साथ होने है ना आई क्यू सी तो आई क्यू सी का जो फर्स्ट पेपर उसका डिस्कशन कर रहे थे फिर जब वो खत्म होता है तो इक्लिब्रियम के क्वेश्चन कर रहे थे सो वो सिक्वेंस चलेगा अभी अब ये जो क्लास है स्पेशली जो क्लास होती है फायर वोल्ट की वो तो स्पेशली ये है ना बताने के लिए कि आपसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही डिस्कस करेंगे मेनली और बीच बीज क्वेश्चन उसमें प्रॉब्लम बट वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेशन है वो अपने आप में फिर डेडिकेटेड है सॉल्विंग के लिए तो एक क्लास और है जिसमें कि इक्लेब्रियम के अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं और आने के अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं इक्लेब्रियम के एवरेज लेवल तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए लास्ट क्लास तक है ना तो so, एक जो है लेंदी सेशन कंप्लीट सॉल्विंग का इक्लिब्रियम पे डेडिकेटेड रहेगा और सीक्वेंस में बता दूं कि आयनिक इक्ब्रियम के बाद ऑर्गेनिक वाला सेक्शन है स्टार्ट करेंगे हम पहले जियो सी आईसोमरिज्म ग्रिगनाड रीजन तक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर थर्मो करेंगे फिर वापस ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे और फिर ऑर्गेनिक पे रहेंगे ये हमारा सीक्वेंस है कैसे अभी इसके जस्ट बाद ऑर्गेनिक शुरू होगी और फिर थर्मो करेंगे फिर ऑर्गेनिक और वापस आएंगे कुछ सेशन ऑर्गेनिक लगेंगे फिर वापस कोऑर्डिनेशन करेंगे और फिर दी एंड भी ऑर्गेनिक से होगा क्यों क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक का सेक्शन हमने जब पेपर सॉल्व किया था तो हमने देखा था ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ढंग के होते हैं मतलब थोड़ा जो पुट एंड गेट करके जो हम सॉल्विंग जो हम बेसिक फॉर्मुले वाली सॉल्विंग कर लेते हैं फिजिकल में फिजिकल केमिस्ट्री में वो चीज़ें आपको ना नहीं देखने को मिलेंगी ऑर्गेनिक में थोड़ा एफर्ट लगते हैं एवरेज से ज़्यादा है ना आ, सर क्या आप जेई का कोचिंग करवाते हो देखो जेई के लिए स्पेशली ये आ, चैनल नहीं है ये चैनल आप ऐसा बोलो ये है ओलंपियाड के लिए ऑब्वियसली जो भी ओलंपियाड के लिए पढ़ता है जेई के लिए पढ़ता है देखो यार सबका पाथ एक ही है बस यही है किस ज़्यादा कड़ी मेहनत पड़ती है ओलंपियाड में जेई से भी ज़्यादा अब जैसे मैं बता रहा था अभी कि फर्स्ट पेपर है सर आप पी सर को जानते हो दोस्त पूरा नाम लिखोगे तब शायद बता पाऊँ ऐसे नहीं पता कपिल ठीक है सो हैप्पी न्यू ईयर वैसे जितने भी लोग आ रहे हैं तमई पटनायक साल मुबारक कैटलिस्ट रेट इन इकमली है श्रिया अशमी तो मैं सबके मैसेज देख ले रहा हूं क्योंकि क्या फा, फर्स्ट जैन है यार तो आज फर्स्ट जैन है ना आज कोई और डेट है क्या हम इतने रिलैक्स्ड है आज ना आज आप ही की क्लास हुई है पहली इनफैक्ट सबकी छुट्टी है तो अभी जो है वो बस मुझे इंटरनेट के लिए हाँ जी हाँ जी जानते हैं गुड आफ्टरनून लैग थेनोस चलो मैं वापस अपने बात पर आऊँ नहीं तो आप ना मुझे भटका दोगे <laughs> मैं दूसरी जगह फिर बातों में चला जाऊँगा भूल जाऊँगा क्या बता रहा हूँ चलो सो so, वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट मैं क्या बता रहा था कि देखो ये प्रोसेस है और आपने देखा कि फर्स्ट पेपर में ऑर्गेनिक जो है वो वैसी पूछी गई जो कि अच्छा था लेवल था और सेकेंड स्टेज तो भाई वो ऑर्गेनिक तो उसमें बहुत बहुत अच्छी पूछते हैं अमाउंट में भी बहुत ज़्यादा होता है वेटेज ऑर्गेनिक का होता है ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल नहीं होती 2018 में तो फिजिकल ही ज़्यादा कर दी थी बट यूजुअली वो होता नहीं है कि फिजिकल ज्यादा हो जाए है ना इनऑर्गेनिक का मतलब बॉन्डिंग बौन, एंड कोऑर्डिनेशन होता है मेनली सो so, एक स्मार्ट तरीका है स्टडी करने का ऐसा तो नहीं कि आपने पूरे साल दो साल आपने ओलंपियाड प्लस जेई के लिए प्रिपेयर किया है ऑब्वियसली अभी आपके पास थर्टी फाइव फोर्टी डेज है तो बहुत स्मार्ट तरीका है कि चुपचाप जितने टॉपिक मैं आता हूँ उनको स्ट्रेंथन करके जाइए अच्छा स्कोर होगा गारंटीड एकदम अगर आप सिंसियरली पढ़ते हैं तो ठीक है so, सो अब यहां पर भी वैसे मैं बता रहा हूं आयनिक इक्लिब्रियम है अगर टू ईयर वन ईयर कोर्स होता तो हम तो बहुत सारे क्लासेस लेते है ना हैं आइनिक इक्लिब्रियम के हो सकते हैं अगर आप टू ईयर कोर्स में है बट हम तो यहाँ पर क्या करेंगे कम से कम टाइम में ज्यादा अच्छी चीजें सीखेंगे ठीक है इसीलिए थोड़ा लेंदी सेशन भी रखते हैं ताकि ज्यादा बातें कवर हो सके तो अब क्या करना आयनिक इक्लिब्रियम में जो हमने केमिकल इक्लिब्रियम में जो पॉइंट्स पढ़े उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट की जरूरत है वो पॉइंट लिख ले रहे हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं स्टार्ट कैसे करेंगे आईनी को इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम केमिकल जो आपके माइंड में रहना चाहिए कि इफ यू आर सॉल्विंग इफ यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सो भाई एक बात तो आपको दिमाग में रखनी होगी क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है है ना कैसे इंपॉर्टेंट है इसे देख करके ही पता लगता है कि के मैंने केमिकल में खास कर बट मैं दिखाऊंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम यानी गैस फेज इक्विलिब्रियम पर भी क्वेश्चन उसी पॉइंट से बन सकते हैं हमने अभी एकदम टॉप लेवल प्रॉब्लम नहीं बनाए जो कि आप बोलो जो कि आई एन सी एच ओ लेवल है या फिर जो है जेई एडवांस लेवल है वैसा हमने अभी नहीं किया हुआ है वो आगे आने वाले प्रैक्टिस सेशन में है बट आइनिक में तो आइनिक तो, में तो आइनिक में तो भरमार है वैसे क्वेश्चन की

Even के जब हम बफर सोल्यूशन करेंगे जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इक्लिबियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू से बहुत कुछ सीखेंगे informative. Informative है ना वैल्यू ऑफ के इज इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव कैसे इंफॉर्मेटिव है सो के की वैल्यू वेरी लार्ज उसका मीनिंग क्या होता है एटलीस्ट वन रियक्टेंट एटलीस्ट वन जीरो मतलब उसकी वैल्यू बहुत छोटी है कितनी छोटी ये तो आप जब सॉल्विंग करेंगे तब पता चलेगा बट एटलीस्ट वन रिएक्टेंट TENDS टू 0 अच्छा TENDS टू 0 डजंट मीन 0 बिकॉज़ TENDS टू 0 और 0 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों है ना पता है आपको अच्छा k की वैल्यू अगर वेरी स्मॉल हो जाए तब क्या होगा k की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए तो एटलीस्ट वन प्रोडक्ट एटलीस्ट वन प्रोडक्ट TENDS टू 0 ऐसा होता है ठीक है वन प्रोडक्ट टेंस टू जीरो होगा जस्ट उल्टा अगर के बहुत बड़ा है दैट मींस डिनोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर में कौन होता है रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट बहुत छोटा होगा अच्छा टेंस टू जीरो हमेशा बोलने के लिए बोलने का मीनिंग आप समझिएगा देखिए टेंस टू जीरो वैल्यू ना बहुत छोटी वैल्यू है और वो रिलेटिवली बाकी से बहुत छोटी है सो so, यहाँ मीनिंग समझिएगा ये तो हमने थोड़ा मैथमेटिकल तरीका आपको बताया और देखिए ये बात अपने आप में कहीं पर एग्जैक्टली exactly बुक्स में लिखी नहीं रहती है, आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ मैंने ठीक है तो इसकी कदर समझिएगा सो so, के की वैल्यू अगर वेरी स्मॉल है तो एटलीस्ट वन प्रोडक्ट टेंस टू जीरो चलते नेक्स्ट पेज पे देखिए सेकेंड पॉइंट वो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखिए और समझ जाइए कि आपको रिएक्टेंट को टेंस टू जीरो करना है कि प्रोडक्ट को टेंस टू जीरो करना है है ना अब दूसरी बात अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर ही बेस्ड है अप्रोक्सीमेशन पर अप्रोक्सीमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है इसका मीनिंग है कि आप समझ आइए अगर इस तरह की बात है देखिए एक्स प्लस माइनस वाई इसे आप एक्स लिख सकते हैं केमिस्ट्री में एनी टाइम अगर आपको ऐसा दिखता है इफ वाई इज विद इन टेन परसेंट ऑफ एक्स

कोई भी क्वांटिटी टेन परसेंट से कम होगी उसकी उसको इग्नोर किया जा सकता है है ना लेट मी बी दिस साइड सो वन प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव कैन वी राइट इट वन चैट बॉक्स यहां पर है हां लेट द चैट बॉक्स बी शोन अप्रोक्स यस लिख सकते हैं मलाला यूसुफ जाई वाह हैप्पीन ईयर सर हैप्पी ईर आई एम फ्रॉम यूपी पी आई एव कल एन टी एस सी स्टेज इन द अप्रैल मे ओनली लास्ट ईयर आई एम स्टेज टू एग्जाम इज ऑन फोर्टीन फेव वट शुड आई डू कोई बात नहीं आप जे के लिए प्रिपेयर कीजिए ना उसके साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं आप एन टी एस सी स्टेज टू के लिए एन टी एस सी स्टेज टू के लिए बस आ, आप सॉल्विंग देखिए पेपर फोकस से स्टडी कर लीजिए ना हम जो सॉल्विंग कराते हैं वो देख लीजिए जहां आपको पेपर सॉल्विंग का या डिस्कशन वगैरह मिलता है वहां कर लीजिए ठीक है चलो ओके तो मतलब आज चैट बॉक्स नंबर हैप्पी नहीं और मिलेगा मुझे क्या कह रहा था भाई यहाँ पर ये अप्रोक्स बन आएगा या नहीं आएगा सो so आंसर आएगा यस अप्रोक्स वन आएगा बिकॉज कि ये टेन परसेंट से छोटा है ना? Less than है ना लेस देन टेन परसेंट है यह लेस देन टेन परसेंट है इसीलिए बट आप ऐसा नहीं कर सकते वन प्लस माइनस अगर ये जीरो पॉइंट वन फाइव हुआ तब आप इसको ना वन के बराबर नहीं लिख सकते ये गलत हो जाएगा ठीक है वैसे ही इफ यू आर हैविंग वन प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ऑब्वियसली यू कैन राइट इट वन माइनस हो चाहे प्लस हो दोनों को वन लिख सकते हो फिर वन प्लस माइनस जीरो पॉइंट टू सो यू कैनोट राइट इट इक्वल टू वन ये नहीं हो सकता टेन परसेंट से छोटी वैल्यू चाहिए

तैयार व्यार करके आया आऊ लेकिन मुझे खुद को देखने से लग रहा है जैसे कि मुझे आया हुआ ऐसा लग रहा है क्या? ये क्या ये ये हो हो रहा है? मत हो जा। Next page. Okay. So now, ये दो थे थे। सबसे जो कि हमें वहां से चाहिए थे। अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे यहाँ से शुरुआत हो रही है जो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर आइनिक में क्या सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बड़ा इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखिए, एक ही कंटेनर में सेम कंटेनर में इन द सेम कंटेनर इफ मोर देन वन आर एग्जिस्टिंग इन द सेम कंटेनर इफ मोर देन वन इज एग्जिस्टिंग एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है एक ही कंटेनर में तब आप कहते हो कि सेम कंटेनर में सेम कंडीशन में मोर देन वन इक्विलिब्रियम

ियम्स अच्छा आपको एक और बात बता दो इग्नोर बिकॉज be वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे सो so उनको इग्नोर कर दिया जाता है स्पेशली वाटर वाला वाटर का जो इक्लिब्रियम होता है वाटर के डिसोसिएशन का वो कुछ ही केस में इंपॉर्टेंट होता है बाकी सारे केस में उसकी इंपॉर्टेंस इतनी कम होती है कि उसको इग्नोर कर दिया जाता है तो जब जब मैं कमेंट करूं कि किस केस में ये इंपॉर्टेंट होगा इसका इक्लिब्रियम इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है तो उसका मीनिंग सीधा सा है, एक साथ एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा प्रेजेंट होना ठीक है बट कई बार ऐसा होता है कि जब एक साथ एक से ज्यादा एक प्रेजेंट होते हैं एक ही कंटेनर में तो उसमें कुछ स्पीसी कॉमन हो जाते हैं

ओके, okay. सो so, मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मतलब के मोर देन वन इक्विलिब्रियम मोर देन वन इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली अंडर द सेम कंडीशन द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन सेम होते हैं ठीक है नेक्स्ट पेज सो साइमल्टेनियस इक्विब्रियम में स्पेशल केस क्या मैं डिस्कस करा था स्पेशल केस इन साइमल्टेनियस इक्विब्रियम स्पेशीज आर कॉमन स्पेशीज़ आर कॉमन इन बिटवीन गिवेन इक्वलिब्रियाज इक्लिब्रियाज मतलब वो एक से ज्यादा जो इक्लिब्रियम होते हैं तो स्पेशीज़ आर कॉमन इन बिटवीन इन बिटवीन गिवेन इक्लिब्रियाज अगर स्पेशीज़ कॉमन है अगर स्पेशीज़ कॉमन है गिवन स के बीच में तब कुछ आपको ना मेहनत करनी पड़ती है कैसे मेहनत करनी पड़ती है वो देखिएगा कैसे करनी पड़ती है इजी है मुश्किल नहीं है कुछ भी समझिएट इजिएटिंग लाइक दिस एस माइनस अक्वस एंड देन एच प्लस अकवस ठीक है देन अगेन एच एस माइनस इज अगेन गोइंग टू डिसोसिएट भाई एच एस माइनस टूट रहा है फिर से and 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 it is is forming H H H plus 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 Let let me let me write like this. Okay, should be first, okay. H is minus then then again H is out two minus. चल ये ठीक है सो so, अगर ऐसा है तो सपोज दैट स्टार्टेड विदिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी ए भी पुट करते थे सो so, uh, आपको याद है डिसोसिएशन में हमने ये डिस्कस किया था कि केमिकल इक्लिब्रियम अल्फा का यूज करते हैं है ना सो so, क्या हम यहां पर भी अल्फा का यूज करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आंसर है नहीं मत कीजिए क्योंकि आपको वहां पे मैंने बताया था कि अल्फा यूज करने का फायदा कहां पर है आप केमिकल एक्लुब्रियम में केपी का फॉर्मेशन यूज करते हैं केपी केपी को केपी को हम क्या करते हैं प्रीफर करते हैं एंड केपी इज जनरली फ्री ऑफ इनिशियल मोल्स एंड कंटेनर के वॉल्यूम से वो फ्री होता है बट यहाँ तो केसी है ये पूरा जो आप आ गए आयनिक इक्विलिब्रियम में तो ये इलाका केसी का है यहाँ केसी का राज है यहाँ केपी नहीं है केपी डिफाइंड नहीं होता ना अकस्में केपी डिफाइंड ही नहीं होता अकस्में सो केसी का राज है यहाँ पर सो केसी के केस केसी में तो आप वैसे भी बच नहीं सकते आसानी से है ना कंटेनर के वॉल्यूम वगैरह से तो बच नहीं सकते में बताया था कि तो ऐसा नहीं है दोस्त सुनो आप ध्यान से अगर आपको साइमल्टेनियस इक्लिब्रिया दिख रहे हैं अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि एक ही स्पेश एक से ज्यादा डिसोसिएशन के स्टेप्स दिखा रहा है, है ना मल्टी डिसोसिएशन दिख रहे हैं मल्टी स्टेप डिसोसिएशन दिख रहे हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन दिख रहे हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दिख रहे हैं सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से ज्यादा इजी हो जाता है एक्स के टर्म्स में काम करना सो आई एम वर्किंग इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना और इस पॉइंट को मैं अभी लिख भी दूंगा सी माइनस एक्स सो सी माइनस एक्स हो गया ये अगर ऐसा लग रहा है कि क्लियरली नहीं दिख रहा है तो लीजिए आपके लिए हाजिर है और भी चमकता दमकता प्रेजेंटेशन दिस इज सी इनिशियल मोल्स इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ही बोलिएगा ठीक है वॉल्यूम को अलग से कुछ मानेंगे नहीं हम इनिशियल मोल नहीं लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन है सीधे देन एच एस माइनस यहां पर था सो so, देखिए अगर इसका एक्स अमाउंट डिसोसिएट या डिसोसिएट अगर होगा एच टू एस विल डिसोसिएट बाय एक्स देन एच प्लस विल फॉर्म हाउ मच एक्स इन अमाउंट एंड एच माइनस विल आल्सो बी फॉर्मड एक्स इन अमाउंट Then again in the other step, in the next step, HS minus is dissociating. So we assume that the amount of H S minus dissociated is equal to Y. So that the new H plus formed is Y. Right? And S2 minus will also be Y. But see, yahan error hai kuch. Kya error? Hai? these two species are same. And first step is Bana or second step. Se bhi bana. So you cannot write X only. You have to write X plus Y. And you have to write X plus Y here also. Similarly, If you have written HS -X -Y यहाँ पर लिखा है आपने सो so यहां पर आप एक्स कैसे लिख सकते हैं so हर जगह सेम होना है same species का हर सेम स्पेसिज काम होना है, है ये इंपॉर्टेंट बात है साइमल्टेनियस इक्लिब्रम से रिलेटेड मैं नोट्स के रूप में लिख भी देता हूं सो so यहां पर आपको ना एस माइनस वाई करना पड़ेगा समझिए दिस इज नॉट अ कॉमन स्पेशर ये बस यही पर था तो इसका सी माइनस एक्स एच प्लस

या आप ये बोल सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ वन स्पेसीज कैन हैव टू वैल्यूज एक एक ही ही समय पर का <laughs> ये नहीं <करना> है सो <laughs> तो सोर्सेज so वाले को ऐड कर दिया और एच एस माइनस दिस वॉज ऑल्सो द कॉमन स्पेसीज सो यू है कॉमन कॉन्सेंट्रेशन एवरीवेयर एक्स बना था बट बाद में वो एक्स माइनस वाई हो गया सो so ये जो पहले बना हुआ था मतलब

प्रसन्ना प्रसन्ना ने बिल्कुल भर दिया <laughs> आयु की ने लिखा है ऊपर से चलते हैं सर जी अर्ली स्टार्ट और एन और आईक्यू जी एस पी एस माइन अच्छा ना जे हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्ली स्टार्ट बैचेज आने वाले श्योर आएंगे सक्षम वर्ष ने आज तो हैप्पी न्यू ईयर का मैं रिप्लाई करूँगा भाई आप आए हैं यहाँ पर एटलीस्ट पढ़ने नहीं आए हैप्पी न्यू ईयर करने तो आए कम से कम तो चलिए वो भी <laughs> वन इज मेंटी परसन्ना मेंटी मैं नहीं कर रहा दिस इज़ कम्प्लीटली काइंड ऑफ एगर कॉन्सेप्शुअल क्लास सर प्लीज़ इवन रेस्पॉन्ड टू तो माई मैसेज परसन्ना आई एव रेस्पॉन्डेड सर रात का मीट में मज़ा आया आपका वाला <laughs> अच्छा एन टी अच्छा। एस महाराष्ट्र में 152 में होगा क्या मुश्किल है स्वाति यू शुड हैव टेन टू फिफ्टीन मार्क्स मोर बट स्टिल कीप अप द होप बिकॉज के कोरोना टाइम से जरूरी नहीं है कट ऑफ पहले के जैसे जाए अवनीश अग्निहोत्री सरेंटी सेकेंड स्टेज में मैं एम पी बोर्ड की बुक पढ़ी है सर क्या अब एन सी आर टी पढ़ना होगा पढ़ेगा हाँ जी अवनीश वैसे तो देखिए अगर आप स्टेट बोर्ड से दे रहे हैं तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस और जो एन सी आर टी सिलेबस है दोनों का ध्यान रखना चाहिए ना मैं ऐसे कैसे बोल दूँ आपको किसी भी स्टेट बोर्ड का ध्यान रखना ऐसा नहीं सर ओके 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 देस टू माइनस देन वाई माइनस सिक्स नहीं नहीं एस टू माइनस वाई माइनस x नहीं होगा ना ये ये तो वाई होगा ये सी दिस इज ऑनली फॉर्म्ड इट हैज नॉट बिन डिसोसिएटेड इन एनी अदर स्टेप ये किसी भी स्टेप में ना डिसोसिएट नहीं हुआ ऐसे ही रहेगा ठीक है रिपीट हो रहे मैसेज पूरी स्पैमिंग चल रही भाई श्री सर क्लियरफाई माई डाउट सम ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी शुड बी जीरो नॉट सर सम ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी शुड बी जीरो नहीं नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वैभव विवेक सर दिस इज ऑब्वियसली यार वैभव बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस चाहिए रघु वामसी हाय हैप्पी न्यू ईयर हाँ जी वैभव बिल्कुल नेक्स्ट ईयर पेपर कब होगा देखो नवीन ने मुझसे भविष्यवाणी मांगी है <laughs> विजय रूबन हाय सर विजय रूबन ये कोड कौन सा लिखा है आपने वन जीरो फोर जीरो फोर दिस कोड क्या स्टैंड करा ये कोड पता नहीं चलो मुझे चलो कोई नहीं वैसे यार होना क्या चाहिए था ना चैट बॉक्स में ना यहाँ पर बातें आ जानी चाहिए थी सो so, यार एक बार मैं ट्राई करूँ चैट बॉक्स ना एक बार लाने की कोशिश करता हूँ मी ना गिव मी जस्ट टेन सेकंड ओके नाउ आई थिंक दैट के एवरीथिंग इज ओके गाइस देखना एक बार हे एवरीवन यस वी बैक है ना यस 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 आ गए वापस फाइन अब ठीक है मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है है ना आई कैन प्लेस इट हियर चलो बढ़िया है अब मुझे दिख रहा है सामने सामने सो so, ये मैं बता रहा था कि साइमल डेनिसक्म ऐसा होगा और यहां पर मैंने ये बताया कि भाई दिस इज द पॉइंट इस तरह से बातें होंगी आर कॉमन इन बिटवीन गिवन इक्लिबरियम तो इस तरह से काम करेंगे आपको एक एग्जाम्पल आपसे सॉल्व करवाते हैं देखते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं सपोज दैट आई हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल भाई एक दूसरा एग्जाम्पल है एच टू सी ओ थ्री इज डिसोसिएटिंग

ट करके इक्लिब्रियम पर एच टू सीओ थ्री इज इक्वल टू सी माइनस आफ्टर डिसोसिएशन एट इक्लिब्रियम इट इज सी माइनस एक्स सो वट इज द्लस फॉर्म एक्स वट इज ऑफ एस सीओ थ्री माइनस फॉर्म एक्स नाउ एस सीओ थ्री माइनस इज गोइंग टू डिसोसिएट जस्ट लाइक इन दर्लियर केस अर्लियर केस में भी ऐसा ही हुआ था सो वाई अमाउंट ऑफ

ये देखो एच थ्री फोर है सो so एच थ्री पीओ फोर तीन स्टेपमेंट डिसोसिएट करता है एच प्लस एच टू फोर माइनस देन एच टू फोर माइनस ये बना रहा है H प्लस प्लस एचपीओ फोर माइनस टू देन एचपीओ फोर माइनस टू

भाई ये तो बेस तैयार कर रहा हूं मैं क्वेश्चन का या कि अगर किसी को ऐसा फील होता है कि भाई आयु किसी के लिए मैं डायरेक्ट सॉल्विंग भी करा रहा हूँ और इनफैक्ट कभी बढ़ करके आगे जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे सॉल्विंग ज्यादा हो जाएगी बट मैं क्या कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा टफ सेक्शन्स हैं जैसे केमिकल आइनिक या कोऑर्डिनेशन वगैरह जो स्कोरिंग भी है जो ज्यादा आते भी हैं एग्जाम्स में मैं उन पे बिकॉज देखो हम कोई वन ईयर या टू ईयर कोर्स में है नहीं दोस्त है ना सो so, हम हमें क्या करना होगा थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को फिर से बोल रहा हूँ कम से कम दो करोड़ बार बोल चुका हूँ ये कोई हाँ प्रिडिक्शन अबाउट कट ऑफ किसका कट ऑफ इसे कट ऑफ का प्रिडिक्शन चाहिए <laughs> ये आप लोग ना बड़ी बदवाजे करते हैं प्रिडिक्शन अबाउट कट ऑफ चलता है ईयर 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 सो मैं कह रहा था यार ये देखो वन ईयर या टू ईयर कोर्स है नहीं बट हम चाह रहे हैं कि कम टाइम में ना स्मार्ट काम करें आपको ना सबसे स्कोरिंग पार्ट और जो सबसे टफ पार्ट है स्कोरिंग पार्ट में भी वो भी आपका अच्छा कराएं प्रैक्टिस भी कराएं बट ऐसा ना करें कि थ्योरेटिकल सेक्शन मिस कर दें क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि चलो सेकेंड स्टेज अगर ना करें फर्स्ट स्टेज भी करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा देखिए फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट पेपर भी आप बहुत अच्छा करके आते हो ना दैट एक्चुअली मीन्स कि यार आगे फ्यूचर में तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो अगर आप एकेडमिक्स की बात करो तो एकेडमिक्स है ना सो so, अगर ऐसा है कि इसी को अगर जीरो से थोड़ा उठा करके मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेज मैं दोनों तरह से चल रहा हूँ ना फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज दोनों का ध्यान रख रहा हूँ और अभी टाइम के साथ सेकंड स्टेज पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज काइंड kind ऑफ of, आपको पता है उसका लेवल मेन से थोड़ा ऊपर है मैंने सॉल्विंग करके भी दिखाई है पेपर की एट्टी क्वेश्चन आपको थ्री आवर्स में जब करने होते हैं सो काइंड ऑफ है क्या सिर्फ केमिस्ट्री करते 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 क्या काइंड kind ऑफ़ of, आपको थोड़ी मतलब आप लॉन्ग एंड टीडियस एग्जाम है तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस गिरता भी अभी बीच बीच में क्वेश्चन अटकाते भी आपको एट्टी क्वेश्चन होते हैं सो काइंड ऑफ यार एक ही पेपर से एक हमें आदत बिल्कुल नहीं होती है, नहीं होती है ना, ऐसे पेपर को बनाने की। so वैसे तो इट इज ऑफ है यार वो चाहिए। जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में काइंड kind ऑफ of वैसा होता है कि ओलंपियाड उनके ही, उनके ही होता है साइंटिफिक माइंड ऑफ या आप एंजॉय भी कर सकते हैं तो बोलता हूँ ओलंपियाड की अवेयरनेस होनी चाहिए और बहुत इन्जॉय करना चाहिए पेपर को फायदा बहुत है ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन का क्या फायदा है आपका लेवल अपने आप ही जो आपके जेई के एग्जाम से नीट के एग्जाम्स हैं उनसे ऊपर चला जाता है क्या चाहिए इससे है ना और आप पहले से प्रिपेयर रहते हो और जो सबसे हार्ड वर्किंग माइंड्स हैं उनके साथ आप कॉम्पीट करते हो जब आप आगे जाओगे सेकेंड स्टेज के आगे कैंप वगैरह में जाते हो बॉम्बे यार तो वहां आपको ना वो कंट्री के बेस्ट ब्रेन के बीच में आपको मौका मिलता है इंट्रैक्शन का और जिससे आप खुद भी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में बनकर बाहर आते हो सो so ये यार ये अपने आप में ना डिफरेंट चीज है ओलंपियाड और ये जे या नीट के ट्रैक पर तो है बट मेहनत थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है चलो तो ये समझ में आ गया ना कि थ्री स्टेप में भी आप इसको कर सकते हो आ, कोई भी रहे आपका बेसिक फंडा ये है कि अगर साइमल्टेनियस टेनिस है तो कॉमन स्पेशीज पॉइंट्स क्या बाहर आए इससे कंक्लूजन क्या आया ये कंक्लूजन क्या है जिसको आप बोलोगे कि ये पॉइंट्स के रूप में आप याद रखो ये कंक्लूजन क्या है काइंड kind ऑफ of, कि इन पॉइंट्स का आपको ध्यान ही रखना है क्या पॉइंट है कि सेम विल हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन और आयनिक इक्विलिब्रियम तीन चार जिन कॉन्सेप्ट से बना है उन कॉन्सेप्ट में एक है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का आप केयर करो कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप सोचना सीखो ठीक है इसके अलावा साइमल्टेनियस जो मैंने पहला पॉइंट बताया था जिसमें मैंने कहा कि भाई इक्लिबरियम की वैल्यू इससे अंदाज लगता है कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन से जाकर के बनाना है हाई वैल्यू ऑफ लो वैल्यू दो केस बार बार देते हैं वेरी हाई वैल्यू वेरी लो वैल्यू उसका मैंने मैथमेटिकल तरीका सिखाया सम, समझने का वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा सेकेंड मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन के बारे तो वो दो पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट ये का ये तीनों मिला करके आने के सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो जब क्वेश्चन में सॉल्विंग करा रहा हूँ मुझे बातें बतानी पड़ती तो मैंने इसीलिए इसको स्पेशली थ्योरी सेक्शन के रूप में डाल दिया सेम स्पेसीम कॉन्सेंट्रेशन सेम कॉन्सेंट्रेशन एट ईच इियम है ना आपने ये तो देखा देखाईड हो गया दूसरे हो गए, एक जगह जगह तो तो हर है है, ना ऐसा होता इक्विलिब्रियम तो एट एट दूसरा डू नॉट यूज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज मेथड ऑफ एक्स ये स्पेशली लिखा है जो लोग तंग आए हुए रहते हैं कि एक्स यूज करना है कि अल्फा है ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टेंशन होती है अल्फा यूज करना एक्स यूज करना मैंने इस पर भी बहुत भाषण दिया था इक्लिब्रियम एक, वाले सेक्शन में भी केमिकल इक्विब्रियम वाले सेक्शन में भी सो डू नॉट यूज अल्फा यूज मेथड ऑफ एक्स ये हमेशा हेल्पफुल रहेगा और सारे स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन सेम कर देना हर जगह ठीक है फिर अगर सॉल्विंग करनी होगी सॉल्विंग साइमलटेनियस इक्लिब्रियम सायमलटेनियस एक्विबियम क्वेश्चन अक्सर सॉल्व करने में अप्रोक्सिमेशन का बहुत यूज होता है इनफैक्ट पूरे आइनिक में अप्रोसीमेशन का यूज होगा सॉल्विंग साइमलटेनियस इक्विब्रियम जेनरलीज इक्म जनरली क्या होता है इसमें इक्विप्रियम का यूज होता है जेनरलीमेशन क्या ही बोल रहा हूं मैं? उमर हो गईन और क्या हाल चाल बताइए क्या क्या लिख रहे हो चार्ट चार्टॉक्स में आप स्कोर कितना होगा वैभव एन एस सी सी का सेफ स्कोर, स्कोर में अभी बताऊंगा तुम्हें तो तुम क्या करोगे सिर्फ सेफ स्कोर के लिए पढ़ोगे नहीं बता रहा अभी एग्जाम से हफ्ते भर पहले बताएंगे ठीक है आई एम तुषार मिश्रा दैट्स गुड यप प्रोकोस्टर सर आई एम जे एस्पिरेंट आई वांट टू स्टडी केमिस्ट्री इज इट यूजफुल है आ, हाँ हाँ जे एस्पिरेंट देखिए भाई सेम फंड तो कॉन्सेप्ट आने के क्लिप्रियम के चेंज कैसे हो जाएंगे दोस्त आपको मैंने क्या बताया फर्स्ट स्टेज जई मेन्स से थोड़ा ऊपर होता है सेकेंड स्टेज इज़ वेरी वेरी एनालिटिकल जई एडवांस से भी कहीं ज़्यादा एनालिटिकल है बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है है ना संतोष गुप्ता सर आप एन टी एस सी स्टेज वन के लिए कोर्स लाइव यूट्यूब पे दोस्त ऑलरेडी इस चैनल पर है ना एन टी एस सी स्टेज वन के लिए बहुत सारी बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप देखो उसमें प्ले लिस्ट वगैरह देखो एन टी एस सी स्टेज वन के लिए और बेसिकली फिर सॉल्विंग भी देखो संतोष नहीं स्पेशल कोर्स चाहिए आपको कुछ वो तो हम करेंगे अब तो एन टी स्टेज टू के बाद ही या जैसे अभी एन टी स्टेज वन से रिलेटेड हमारा डिस्कशन एक्चुअली पेपर सॉल्यूशन वगैरह हम कर रहे हैं उधर दूसरे चैनल पर एन टी फाउंडेशन पर है ना एन टी स्टेज वन से रिलेटेड अब हम ना सारा काम करते हैं एन टी फाउंडेशन वाले पे क्योंकि वो धीमे धीमे हम सारे एन के काम उसी चैनल पर करेंगे सो so, चलो गाइस अब बढ़ रहे आगे देखो मैं बताऊं कि ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया सॉल्विंग वगैरह कैसे होगी ये है। दिखाते हैं आपको है ना एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे कि ना आपसे आप, आपके साथ डिस्कशन आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स यहाँ पे दे दें एक काइंड ऑफ kind of मैं टफ क्वेश्चन नहीं उठा रहा मैं एवरेज लेवल क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसको कि आपसे डिस्कस कर लेते हैं फिर जब एक्चुअली जब मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे अच्छे क्वेश्चन जब उठाएंगे तो आपको फिर से याद दिलाऊंगा ठीक है so सो इसी बहाने आपका वो वहां पर रिवीजन भी हो जाएगा सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज यार पेज ऐड भी करने पड़ेंगे टप 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 हां सो एक क्वेश्चन उठा रहे हैं देखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे 0.1 एम H2CO3 इस टेकन है ना या ऐसा कर लेते हैं एच टू एस लेते हैं एच टू एस इज टेकेंड फाइंड कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेश इन सोल्यूशन सोल्यूशन इफ फर्स्ट डिसोसिएशन कॉन्सटेंट इस टेंट द्वारा माइनस सेवन

देख रहे रहे हैं हैं साथ निकाल दिया दिया ये 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 जो जो था था वो हो हो गया आउट हो गया देखा तो आपको ना कि आपने दोनों step को जोड़कर कुछ लोग काम काम कर देते इस पे काम तभी कीजिए जब डेटा इसके accordingly दिया रहे। अगर नहीं देखिए डेटा इसके अकॉर्डिंगली नहीं है डेटा क्या है वैसे तो आप आपको पता है कि दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब ऐड अप होते

इससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो चाह रहे हैं जितने मैक्सिमम स्पेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन में सबकी बातें करो तो अगर आपने ये स्टेप उठा लिया आप क्या मिस कर दोगे एच एस माइनस को है ना तो इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ना तुरंत में समझ में आ जाना चाहिए हमें कि कैसे चलना है क्या क्या बातें हमें पूछी है कभी कभी ऐसा होता है कि दो स्टेप का जो एसोसिएटेड दो स्टेप का जो एडिशनल स्टेप होता है इन दोनों को जोड़ करके जो ओवरऑल जो स्टेप बना होता है कई बार क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता है बट आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझो और एक्सपीरियंस करो और प्रैक्टिस करते करते ये बात और भी अच्छे से समझ में आएगी अच्छा मुझसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है मुझे चलना कैसे है क्वेश्चन ने हर स्पेश के बारे में पूछा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेशीज बीच का एक गायब है इंटरमीडिएट स्पेश माइनस इज एबसेंट इन दिस इक्वेशन सो हम इस पर काम नहीं कर रहे किस पर इस थर्ड वाले पे क्योंकि हमसे तो सारे स्पेशीज के बारे में पूछा है तो हम क्यों काम करेंगे अब हम इस पर आते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट लगाते हैं क्या पॉइंट लगाएंगे देखिए स्टार्टिंग था से तो -x लिखते हैं इसे इसे लिखा इसे भी लिखा लिखा जाए जाए भी बाद में ये टूटेगा हो गया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फर्स्ट वाले का टेंस सेवन क्वेश्चन ने दिया है और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट किसके बराबर होगा एच प्लस मल्टीप्लाइड

जान भी जानते हैं जान भी जाते हैं तो फिर फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेते प्रैक्टिस करने में वो नहीं करना यार पहले तो अप्रोच अच्छे से पता होना चाहिए तो अप्रोच क्या है जो मैंने बेसिक बातें बताई वो जानो बिल्कुल ही स्टूडेंट दूर रहते बुक्स में बात नहीं बताई जाती एक तो क्यों नहीं बताई जाती इतनी सारी इंडियन बुक्स आई हुई थ्योरी की लेकिन इस तरह से अप्रोच नहीं बताते हैं पता नहीं क्यों ये गलत बात है मुझे अच्छा नहीं लगता है ना सो so, मुझे लगता है कि खुद मुझे भी कुछ लिखना पड़ेगा बुक वुक में ये बातें नहीं होती हैं तो मुझे खुद से लिखना होगा बट अब इंटरनेट का टाइम आ गया कोई भी अब बुक लिखने की क्या जरूरत अब तो चुपचाप आप वीडियो देखिए है ना ओके okay. हाँ आप ही लाओगे यूट्यूब पे स्टेशन संतोष क्या लिखना है भाई गुड आफ्टरनून सर सॉरी टू बी लेट कोई बात नहीं अभिषेक शेख हाँ मोमिन फरे हाय मोमिन इफरा हाय हाउ आर यू अन हेलो क्या चाल कैसा चल रहा है न्यू ईयर हाँ मैंने न्यूयर आकर के खराब तो नहीं किया अब जो भी किया हो मैं तो अपना काम कर रहा हूं मैंने थोड़ी ना आपको बोला है कि आप आकर के लेक्चर देखो <laughs> है ना तो यार मैं तो अपना काम कर रहा हूँ सो नो ब्लेम्स ऑन मी मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए है ना नो 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 यस 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 चलो सो प्रोसीडिंग ऑन टू द फर्दर या डिस्कशन क्या बता रहा था मैं कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो वो लिखाएगा टेन पॉल माइनस सेवन दिया हुआ है इज इक्वल टू देखिएगा

एट क्वेश्चन डिस्कस किए थे फिर इक्लिबियम पर आए थे वो फिर आएगा बैटल चार्जर एपिसोड, हर दो क्लास थ्योरी की फिर बैटल चार्जर दो क्लास थ्योरी की फिर बैटल चार्जर वो चलेगा है ना और आगे आपकी क्लासेस और भी ज़्यादा रेगुलर हो जाएंगी मतलब फाइव डेज कर देंगे अभी फोर डेज चलती है ना वीक में तो फाइव डेज हो जाएंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसको और भी बढ़ा सकते हैं

और यस 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 ये. िया ने कितना धागड़वाद लिखी है बहुत अच्छे श्रिया मैंने क्या बताया था एक्चुअली जब स्मॉल वैल्यू क्लूबर कॉन्स्टेंट की तो एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गड़बड़ हो रही है रिएक्टेंट लिखेंगे या प्रोडक्ट लिखेंगे बट उसने याद किया पॉइंट जो मैंने बताया था एक्जैक्टली exactly. है ना सो भाई क्या लिखेंगे हर्ष चलो सो क्या लिखने वाले हैं सेवन एक छोटी वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया देखो ये वैल्यू तो बड़ी होगी थी तो, तो रिएक्टेंट था ना तो रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी आ रही है प्रोडक्ट छोटा होने लगता है और मैंने बताया बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट टू जरूर होता है ठीक है एटलीस्ट एक, एक से ज्यादा हो सकते हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं हाँ श्री आई गॉट इट मैं समझ गया था कोई बात नहीं लिखने में गलती होगी तो इतना सॉरी नहीं होता टेन पॉल माइनस सेवन वैल्यू जब वो छोटी वैल्यू अगर छोटी वैल्यू है

You know that के टेन परसेंट कितना है x तो मतलब जीरो पॉइंट जीरो से भी छोटा आना चाहिए तभी आप इग्नोर कर सकते हो मैंने इग्नोर कर लिया और बाद में प्रूफ कर दूंगा कि हाँ x की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन से छोटी है तब भी पे मैं सही हूं मैथमेटिकली या तो मुझे पहले पता हो कि एक्स की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन से छोटी है और मैं इग्नोर करके ऐसा लिख दूं या फिर ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कैसा कि मैं पहले मान लू और बाद में प्रूफ कर दू एक ही बात हो गई मैथमेटिकली दोनों बातें क्या सेम है आईनिक में इस सेकंड फंडे को बहुत यूज करते हैं पहले हम मानते हैं पहले हमारे पास प्रूफ नहीं होता पहले हम मानते हैं फिर आगे जो आंसर आते तो प्रूव हो जाता है कि आपने जो माना था वो सही है अगर आपने जो माना था वो गलत साबित हो गया तब तो जाइए वापस जाइए फिर से सॉल्विंग कीजिए है ना यस थैंक यू भाई स्कार्फ गिटारिस्ट काम चाब सो गाइस क्या बोलोगे आप फिर बताओ अब यहां पर क्या करोगे ये 0.1 है ठीक है ये 0.1 है 0.1 है 0.1 है डन अब ऊपर आइए x plus y और x minus y मैं यहां भी एप्रोक्सिमेशन डाल रहा हूं x plus y को भी x लिख दे रहा हूं और x minus y को भी x लिख दे रहा हूं कलाकारी देखिएगा कलाकारी देखिए कलाकारी देखिए यही तो है आइनिक इग्लोब्रम एप्रोक्सीमेशन का खेल है कलाकारी का खेल है और मैंने क्या बताया है तीन फंडे जिस पर पूरा आइनिक चलता है पहला इग्लोब्रम कांस्टेंट की वैल्यू देखिए हाई है लो है इससे सारी बातें समझ में आने लगती हैं दूसरा एप्रोक्सीमेशन लगाइए तीसरा साइमल्टेनियस इग्लोब्रम इसमें एक छोटा सा एडिशन है चौथे पॉइंट का भी बहुत करता है समझने में। बट अभी करेंगे, भी की जो वैल्यू दी हुई रहती है ना जैसे ये इससे भी बहुत हिंट मिलता है सो so, ये चार पॉइंट लगा करके हर जगह छोटे बड़े हर तरह के टूचे और जबरदस्त हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व होता है आयनिक के इनफैक्ट आयनिक के क्वेश्चन एक एवरेज क्वेश्चन भी आयनिक का बहुत डराने वाला होता है, है ना वन एम वाह भाई ये किसी का नाम है, है? <laughs> बढ़िया हाँ. चलो मैं एक बार फिर से बताता तो आपको confusion दूर हो जाएगा लिखा था भाई ने मैं एक बार फिर से कर कर रहा हूं. देखो क्या कर रहे हैं यहां पर पहले तो जीरो पॉइंट एक्स को क्या कर दिया हमने जीरो पॉइंट एक्स को ना जीरो पॉइंट वन माना है ना? मैंने सिखाया देर पहले कि ऐसा कुछ करते हैं आप जो इसका मीनिंग इस तरह से आता है यहाँ पर कलर चेंज करूँ क्या आओ एक बार कलर चेंज करता हूँ so, आप ना हाँ दिख रहा है अब मैंने क्या किया लिया और एक्स माइनस वाई को भी X लिया, X को भी X लिया अब पहले तो आप बोलोगे सर ये आपने कर कैसे लिया क्या कोई दिव्य शक्ति हम कैसे पहचाने ऐसा कर सकते हैं यार तो आप बहुत इजीली कर सकते हो देखो देखो ध्यान से देखो कैसे कर सकते हो के ए वन की वैल्यू देखो दोस्तों के वन की वैल्यू कितनी थी टेन बार माइनस सेवन और के की वैल्यू देखो माइनस नाइन तो के और भी छोटा है के वन से अगर के टू बहुत छोटा है के वन से के ए के वन से कितना छोटा हंड्रेड टाइम्स दिख रहा है हंड्रेड टाइम्स छोटा है तो के वन बड़ा है काफी के टू से दैट मीनस के जो सेकंड सेकंड इक्विलिब्रियम है उसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की और भी कम है यानी कि इस से जो बनेगा ना वो और भी छोटा है और भी छोटा है। ये कैसे बताया मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया देखो के वन को और के टू को ठीक है नेक्स्ट पेज पे चले देखो और भी इजीली आप समझ सकते हो देखो के वन की वैल्यू थी टेन पर माइनस सेवन के टू की वैल्यू थी टेन पर माइनस नाइन थी ना तो यहां पर साफ दिख रहा है कि के वन की वैल्यू ज्यादा है के टू की वैल्यू और भी ज्यादा कम है हंड्रेड टाइम्स का डिफरेंस है सो अगर मैंने ये इसी स्टेप की बात की तो इस स्टेप में यहां पर, पर माइनस सेवन है और इसकी वैल्यू जो है वो आई एस प्लस, प्लस प्लस एस टू माइनस इसकी वैल्यू टेन पर माइनस नाइन है सो क्या पता चल रहा है

पॉइंट्स so हाँ, ऐसे ही होता है जब सबसे अच्छे लेक्चर होते हैं ना सबसे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं देखने के लिए <laughs> और ओनली थर्टीन हर दिन पता है क्या होता है मैं क्लास लूंगा आइयु किसी के ना दस बारह स्टूडेंट होंगे कोई ना कोई आकर लिख करके जाता है चैट बॉक्स में मतलब दुनिया इसी के लिए जी रही है कि वॉचिंग ज्यादा होना चाहिए दुनिया इसीलिए जी रही है कि लाइक्स ज्यादा आने चाहिए पढ़ने से मतलब नहीं दोस्त पढ़ने से कोई मतलब नहीं है पढ़ने से कोई मतलब नहीं है वॉचिंग होना चाहिए लाइक्स होने चाहिए दुनिया जाए भाड़ में सीखना नहीं किसी को अच्छी चीजें बस वॉचिंग होना चाहिए लेकिन दोस्त मैं तो इसके लिए आता ही नहीं यहां पर मैं तो आता हूं कि आज से दो साल बाद भी कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को अगर टॉपिक या सब्जेक्ट जानना होगा ना तो उसके लिए भाई वीडियो पड़ी होगी सारे कोर्सेज भी इस पर फ्री हैं सारे काम फ्री में हो रहे हैं सब कुछ तो समाज सेवा हो रही है सो so, बेन्दास भाई आइए देखिए माहौल अच्छा बनाइए आप नहीं पढ़ रहे दूसरों को पढ़ने दीजिए है ना ये सब बातें नहीं लिखिए ये डिसेंसी नहीं है बाकी आपकी मर्जी कुछ भी लिख के जाइए आप तो गालियां लिख करके जाइए क्या ही करूंगा मैं बताइए ऑनलाइन है लोग तो कुछ भी करते हैं कोई डिसिप्लिन है नहीं कोई माइनर्स है नहीं सो ऑनलाइन है कुछ भी करते हैं तो मैं तो यार बस चुपचाप देख लेता हूं जो लोग इंटरेस्टेड है उनकी बातें देख लो जो नहीं इंटरेस्टेड है क्यों उनके ऊपर मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ ऐसे भी मैं आया हूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए क्या अच्छी बात रिकॉर्ड करू जाओ लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखें ओके okay. सो so भाई प्रोसीड कर रहे बट ये बीच-बीच में भाषण इसलिए दे देता हूं कि शायद सुधर जाइए पर नहीं सुधर ये क्या ही जा रहा मेरा था है ना ओके okay. सो so भाई प्रोसीडिंग अगेन ऑन द कॉन्सेप्ट क्या बता रहा मैं कि h2s 0.1 था 0.1 x किया मैंने बोला कि यार मैं अगर इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लिखूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा जैसे मैंने उधर दिखाया था मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर आप कॉन्सेप्ट के बाद so, लिखा है इसके पीछे लॉजिक है देखिए वेरी स्मॉल वैल्यू दैट एक्चुअली के प्रोडक्ट ना के बराबर बनेगा भाई अगर प्रोडक्ट ना के बराबर बन रहा है that वेरी लिटिल डिसोशियम बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम टूटेगा समझ लो सो so, बहुत कम टूटेगा इसीलिए मैंने क्या किया एक्स को ही ऑलरेडी क्या मान लिया एक्स बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू जीरो पॉइंट वन क्यों लॉजिक देखा आपने कैसे रिलेट किया

ये था ठीक है अब मैं बता रहा था कि को करो, because के value equilibrium constant की के की छोटी है, बहुत कम बनेंगे जब ये बहुत कम बनेंगे सो दैट मीनस के एच टू एस इज गोइंग टू डिसोसिएट वेरी लिटिल दैट मीनस के एक्स विल बी वेरी लिटिल एज कंपेयर टू जीरो पॉइंट वन सो मैंने गेस किया मेरा गेस कितना सही है अभी आंसर आएंगे उससे दिख जाएगा मैं सही होऊंगा तो सारे वैल्यूज बिल्कुल हो 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 बहुत प्यारे तरीके से एकदम मस्त तरीके से एकदम दिख जाएंगे सेट हो जाएंगे अरेंज हो जाएंगे मजा आ जाएगा और मैं गलत होऊंगा तो वैल्यूज अपने आप बताएंगे भाई तू तो गलत है कैसे कैसी वैल्यूज आ रही कुछ भी वैल्यूज आएंगी ठीक है सो so, भाई अब क्या कर रहे हैं जीरो पॉइंट वन माइनस एक्स को जीरो पॉइंट वन कर दिया सो जीरो पॉइंट वन माइनस एक्स को जीरो पॉइंट वन लिखना है अब यहां पर एच प्लस को कितना लिखा था कैसे हमने एक्स प्लस वाई ये वाला एक्स प्लस वाई था बट मैंने बोला इसको भी एक्स मान लेते हैं और hs माइनस कितना आया था गाइस x माइनस y x माइनस y ठीक है फिर मैंने ये कहा x माइनस y को भी x लिख लो यार इसने बोला क्यों मैंने बोला देख तो सेकंड स्टेप तो देखो सेकंड स्टेप में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत छोटा है और भी ज्यादा छोटा है दैट मींस के दैट मींस के ये जो x जो x था x कौन था देखना जो अमाउंट यहां पर h2s डिसोसिएट करके h प्लस बना रहा था थोड़ी देर के लिए बैग जाए थोड़ा सा यहां पे नाटक हो गया एच एस माइनस भाई साहब एच प्लस हम्म ये थे एक्स प्लस वाई, हाँ, सो पहले क्या हुआ था फर्स्ट स्टेप से एच प्लस कितना बना था एक्स फिर दूसरे स्टेप से वाई बना फिर इन दोनों को हमने ऐड करके दिखाया बट फर्स्ट स्टेप से एच प्लस कितना बना था एक्स बना था करेक्ट एच प्लस बना था एक्स अब जो एच प्लस एक्स बना था

इनफैक्ट एस टू एस विल बी गिविंग मोर एंड मोर एच प्लस एस कम्पेयर टू एच एस माइनस से आने वाल H कितना y. Y is the amount of H कितना है। है Y, बहुत कम है, है। इसीलिए मैंने क्या किया X के सामने Y को इग्नोर कर दिया अब मैं कितना सही हूं वो दिख जाएगा अगर मैं सही हूं तो सारी वैल्यू सेट हो जाएंगी ऐसे ये रिस्क है तो इश्क है वाला पॉइंट आप मान सकते हैं यहां पर चलता है आपको बिंदा स्व अप्लाई करना है यही तो करना है आइनिक में इतना ही करना तो यही ये यह रिस्क आपको लेना पड़ता है और ये रिस्क इनफैक्ट नहीं होता है एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको समझ में आ जाता है रिस्क नहीं आपको दिखने लगता है आंखों से कि होगा यही ठीक है अब चलिए आइए देखिए सॉल्विंग करते हैं टेंथ पर माइनस सेवन था ना ये और एक्स प्लस माइनस वाई को कितना राइट इट ऑल्सो एज एक्सो पॉइंट वन माइनस एक्स को कितना लिखना है लीजिए नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन expression. Expression से जरा एक्स की वैल्यू बता दो इंटरेस्टेड अगर कोई है तो फिफ्टीन सेकेंड ट्राई कीजिए मैं बता रहा हूं देखिए तो वैल्यू आ जाएगी टेन पर माइनस फोर ठीक है टेन पर माइनस फोर नाव पर पर देख रहे के सामने ये छोटा नहीं है बहुत 10 -4. मैंने क्या बोला था कि <laughs> -x को आप लिख सकते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन का क्या है कि अगर ये टर्म ये जो दूसरा टर्म है एक्स ये अगर लेस देन टेन परसेंट होगा अगर लेस देन टेन परसेंट हुआ बिंदास उसको इग्नोर कर सकते हैं जीरो पॉइंट वन का टेन परसेंट कितना होता है जीरो वन ये तो जीरो पॉइंट जीरो वन का भी वन परसेंट है टेन पर माइनस फोर जीरो पॉइंट जीरो वन हो जाता तो इग्नोर कर सकते थे जीरो पॉइंट जीरो वन से भी छोटा होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और ये तो जीरो पॉइंट जीरो 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 वन है यार ये बहुत छोटा है या दैट मीन्स के हमारा जो अप्रोक्सीमेशन था ना ये जो हमारा जो हमने जो सोचा था हमने जो जैसे सोचा था कि यार जीरो पॉइंट वन माइनस एक्स बराबर जीरो पॉइंट वन तभी लिख पाएंगे जब एक्स की वैल्यू क्या होगी नहीं बहुत छोटी वैल्यू एक्स की टेन पॉल माइनस फोर इज जस्टिफाइड तो अभी हमने वाई नहीं निकाला है अभी जस्ट वी है इस अप्रोक्सिमेशन पर कमेंट नहीं होगा अब वाई निकालते कैसे वाई निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्म कॉन्स्टेंट टेन पार माइनस नाइन विल बीवल टू दिस एच प्लस दैट इज एक्स प्लस वाई And multiplied by this sulphide ion that is y and divided by x minus y. right Now see x minus y or and x plus y do not go humne kya mana wa? x. So x plus y will be written as x, multiplied by this y, divided by x minus y is written as x. x and x get cancelled. So y is coming out to be 10 power minus 9. do Now y is coming out to be 10 power minus 9. x is 10 power minus 4, and y is 10 to the power minus 9.

फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कितनी है किसको छोटा मानना है किसको बड़ा मानना है उसके अकॉर्डिंगली है, है। तो ना ये अप्रोक्सिमेशन इससे मैं बता रहा था अप्रोक्सीमेशन लेने का ये तरीका होता है ऐसे ही आपको चलना पड़ता है ठीक है चलो नेक्स्ट पेज चले फिर मूव ऑन टू ट्राई करो ये वाला से निकालो और फिर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन पर चलता हूँ फिर ठीक है हमारा जो सेक्शन होगा जिस पर डिस्कशन हम करेंगे स्ट्रॉन्ग so एसिड का सॉल्यूशन, वीक एसिड का सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस हाइड्रोलाइसिस, बफर ठीक है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके देख जाने ओके okay, चलो आज होपफुली हम वीक एसिड के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में एंड बफर को देख करके फिर प्रैक्टिस पर आ सके ठीक है मैंने प्रैक्टिस का तरीका आपको बताया मैं ट्राई करूंगा कि कम्युनिटी पेज पर एक पूरा प्रोग्राम लग जाए मैं ट्राई करता हूँ प्रोग्राम लग जाए विच so क्लास जो वो चाहेंगे लाइव में है ना बोलो ओके okay. सो so, भाई एच वाला क्वेश्चन आप से बनाओ उट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एवरी स्पेशा जरा देखना यह जो पेज था इस पेज पे हमने क्या किया था एक्स और वाई के ना सारे कैलकुलेशन किए थे ध्यान से देखना सो so, अगर आपको एक्स और वाई पता चल गया दोस्तों तब तो, तो आपको सब कुछ पता चल गया है ना देखिए एक्स पता चल ये आपको ऑलरेडी एच टू एस की वैल्यू पता चल गया जीरो पॉइंट वन एच प्लस विल बी इक्वल टू एक्स

कैलकुलेशन की कैलकुलेशन में एफर्ट ना लगे चुपचाप कॉन्सेप्ट में एफर्ट लगाइए और कॉन्सेप्ट ओके कीजिए सो so, कैसे चलेंगे बिल्कुल लास्ट टाइम की जैसा डेविल ओपी एकदम बढ़िया डेविल व्हाट अबाउट यू प्रांजल शुक्ला हेलो प्रांजल बस इधर में कोई ट्राई कर रहा है मोमिन एच टू सी ओ थ्री कैसे प्रोसीड करना ना बिल्कुल देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन प्रोसीड किए थे दोस्तों कैसे चलना है इनिशियल जीरो पॉइंट वन है जीरो पॉइंट वन माइनस एक्स कीजिए एक्स एंड वाई बनाइए फिर कॉमन स्पेसिस का कॉन्सेंट्रेशन हर जगह कॉमन कर दीजिए So 0 0.01 minus x, this will be x, and this will be x. Now this species is going to dissociate. So it is x minus y, x minus y, y, and again y, right? Then common species are h plus. So you will have to make their concentration common. Concentration common And HCO3 minus is common. So concentration common okay. now. वन का एक्सप्रेशन बना लीजिए एक्स प्लस अब आपको वैल्यूज एज्यूम करके आंसर्स निकाल लें जिसे आप समझ पाओ जिसे आप प्रूफ कर पाओ कि हाँ आप जो भी कर रहे हो वो सही है है ना वैल्यूज ऐसे आने चाहिए जिससे पता कि यस yes, ऐसा होना चाहिए। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो तुम्हें लग रहा है कि अभिषेक के वो जस्टिफाई कर रही है वैल्यू टेन पार माइनस फोर y को भी देख लो तभी जस्टिफिकेशन आएगा बिकॉज के जो तुम वैल्यू ला रहे हो उसमें दो अप्रोक्सीमेशन है टेल मी द वैल्यू ऑफ y काम कर रहा है अप्रोक्सीमेशन आपका चेक करो देखो यार देखो लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं अरे यार क्यों इतना दर्द दे रहा है भाई मुझे चलो यार ये भाई सब जो है ना करते <laughs> रहता है आइए देखिए इस क्वेश्चन ये लास्ट वाले को देखिए ये -x को को किया था, एक्स की, साफ दिख रहा थाउजेंड टाइम छोटी है हमें तो टेन परसेंट से छोटा चाहिए होता है टेन परसेंट से छोटा उसी से केमिस्ट्री का के सारा अप्रोक्सिमेशन चलता है तो चलिए उसी उसी रास्ते चल करके एक बार देखते हैं क्या सही क्या गलत है क्योंकि वो जो हमने सीखा है लास्ट क्वेश्चन में वो हमारा बेस है एजम्शन का वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है का साइमल्टेनियस में और एजम्शन की मोस्टली जरूरत पड़ती है साइमल्टेनियस में ही ज्यादा है ना अगर साइमल्टेनियस नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन की जरूरत कम पड़ती है और अगर लगाए भी अप्रोक्सीमेशन तो ईजिली सब समझ में आता है साइमल्टेनियस में समझदारी रखनी पड़ती है सो एक क्या एक्स प्लस वाई को भी एक्स मानना है देखते हैं कितना अब हाँ, हमारा ये अप्रोक्सीमेशन दो तरह के अप्रोक्सिमेशन एक यहाँ पर और एक वहां पर ठीक है दोनों जस्टिफाई होने चाहिए

multiplied by y x 5x मानिए दिस 2x विल बी कैंसिल आउट एंड y इज कमिंग आउट टू बी 10 8 नाउ वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई x की वैल्यू 10 4 है एंड y की वैल्यू 10 8 है सो so जस्टिफाई करते देखते हैं 10 4 10 8 डिफरेंस है और बहुत छोटा है x के सामने y दैट मींस बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही के जैसे ही सॉल्विंग होनी है वैसे ही आपको आंसर्स आने हैं उसी तरह आंसर्स आने हैं वैसे ही एप्रोक्सीमेशन आना है वैसे ही एप्रोक्सीमेशन लगना है था ना एकदम वैसे अप्रोक्सिमेशन लगा डेटा थोड़े से चेंज थे प्रोसेस वही हुआ सॉल्विंग हो गई है? So, हमने, uh, को ट्विस्ट किया जाएगा तो एक ट्विस्ट करने का तरीका है दो से तीन रिएक्शन दे दिए जाएंगे तीन से ज्यादा नहीं देते हैं तीन से ज्यादा बोरिंग होता है सॉल्व वॉल्व करना तो तीन, तीन तक देते हैं था ना, जिसमें तीन थे वहां तक देते हैं या कुछ नए तरीके से मॉलिकुल्स को अरेंज करेंगे आपको चकमा देने के लिए लेकिन आपको चकमा की जगह चमका ये ध्यान रखना है भाई <laughs> है ना कि सब कुछ चमक जाना चाहिए ये हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं चलो हाँ जी वैल्यू निकाली आपने अभिषेक देख ली मैंने बढ़िया बढ़िया बड़े, बड़े 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 वाई अच्छा आदिति ने भी निकाला शाबाश यार टेन पॉल माइनस एट अभिषेक टेन पर माइनस एट बड़े 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 वाई की वैल्यू आ गई चलो ठीक है शानदार अब चल रहे हैं हम एसिड के सॉल्यूशन पर ठीक है

ठीक है इसी में फिर इसी से रिलेटेड है मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस ठीक है ये हो गया अब आते हैं इधर हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस में चीजें समझनी होती है बहुत अच्छे से और बफर सॉल्यूशन ये ढंग से नहीं आया यहां फंस जाएंगे और अगर ये दोनों तो नहीं आया तो फिर सोलिबिलिटी

ये बता करके ब्रेक भी लेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रांग एसिड्स देखिए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रांग एसिड्स में क्या करना है स्ट्रांग एसिड पहले तो आपको जो सिलेबस में दिए जाते हैं आपको बताया हुआ पहले कि जो आपको सिलेबस में बार-बार दिए जाते हैं वो कौन-कौन से भाई HCl HBr HI 6 स्ट्रांग एसिड्स आपको बार-बार दिए जाते हैं और H2SO4 ठीक है ये छह हो गए सारे इनऑर्गेनिक वाले मेनली

वाटर में डाला वाटर में ऑलरेडी वाटर का इक्लिब्रियम मेंटेन होता है वाटर के इक्लिब्रियम पर भी चर्चा होगी सुनिएगा उसे भी उसकी भी चर्चा होगी पैरलली बट HCl को वाटर में डाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ना सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉमन बिहेवियर है ऑलमोस्ट वो कंप्लीटली टूट जाते हैं है ना उनको कंप्लीटली डिसोसिएटेड मानते हैं कि अगर आपने वन एम लिया सो वन एम इन वाटर जब वो वन एम एच सी होगा जब वो एच सी एल अक्स होगा फाइव वो टूट जाएगा? जाएगा ठीक है पूरी तरह से ये लड्डू हो जाएगा ये वन एम बन जाएगा और ये भी वन एम बन जाएगा है ना ये ये बेसिक सा मीनिंग होता है ठीक है चलो भाई ये तो एकदम जीरो बातचीत होगी मतलब बिल्कुल बेसिक बातचीत होगी यस ऐसा होता है पूरी तरह से टूट जाता है सो so, पूरी तरह से टूट जाता है सो so, आपको पता है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग एसिड वाटर में जाएगा कोई नया इक्लिब्रियम नहीं आएगा ये सीखना था आप वीक एसिड को डालेंगे ना वीक एसिड अपना भी इक्लिब्रियम बनाएगा और उसी सॉल्यूशन में वाटर का भी इक्लिब्रियम होगा अभी क्या है अभी एच सी एल को डालिए एच सी एल इज डिसोसिएटेड एच सी एल के रिएक्शन को हमें इ रिवर्सिबल टाइप लेना है इक्विलिब्रियम नहीं बनाना है उसमें उसको पूरा टूटा हालांकि ऐसा नहीं होता है कि पूरा टूटता है एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट बट ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट टूटता है और हम अपने कैलकुलेशन पर्पज के लिए सारे स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरा टूटा हुआ मान लेते हैं नहीं तो कैलकुलेशन अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लीकेट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे सो so, आपको ध्यान रखना है भाई कि ये 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 बात आपको स्टैंडर्ड के रूप में ध्यान रखना है कि HCL को वाटर में डाल स्ट्रॉग एसिड को वाटर में डालो पूरी तरह से टूट जाएंगे अगर एसिड प्लस वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर है एसिड प्लस वाटर सो अगर ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग तो एसिड का सॉल्यूशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ वन इक्लिबरियम इज डिस्क सिर्फ एक ही इक्लिबरियम डिस्कस किया जाएगा दोस्तों और वो इक्लिब्रियम क्या है वन इज क्म ऑफ वाटर समझ रहे वक्म हाँ, वाटर लेकिन अगर का न, तो वीक एसिड का भी, आएगा, का भी डिस्कस और इक्लिब्रियम किसका डिस्कस होगा वीक एसिड का भी डिस्कस उसके साथ साथ वाटर का भी इक्लिब्रियम डिस्कस होगा लेकिन स्ट्रॉग एसिड प्लस वाटर के सोल्यूशन में सिर्फ वाटर का इक्विब्रियम डिस्कस होता है आई बात समझ देखिए बढ़िया आगे इस पर तो so, मैंने क्या किया वन एम एच सी एल सोल्यूशन बनाने की कोशिश की वाटर में डाला इसे वाटर है यहां पर अब क्या होगा अब जो सोल्यूशन हमें मिलेगा दैट विल बी नोन एज एच सी एल अकवस सोल्यूशन राइट अक्वस सोल्यूशन ऑफ एच सी एल होगा ये परफेक्ट सो एच सी एल सोल्यूशन का हमें पीएच निकालना है पीएच सब है सबको पीएच निकालते हैं भाई माइनस ऑफ लॉग एच प्लस करके डन ऐसा करते हैं है ना? सोल्यूशन so, था वन मोल पर लीटर था मैंने क्या बताया पर एक ही करेगा का। so, कहा नहीं। मतलब पी निकालना तो बहुत इजी है। कोई भी इस तरह से फटा -फट, फटा -फट, जो H+, one HCL कितना H ये देगा? यार एच प्लस तो वन देगा बात खत्म हो गई माइनस लॉग वन दैट इज पी एच परफेक्ट और सही आंसर भी है बट अब थोड़ा हम डेप्थ में चलते हैं जहां पर हमें फसाया जा सकता है बहुत बुरा देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा ठीक है आपने तो इस सॉल्यूशन का पीएच बता दिया भाई क्या बात अब काम कीजिए जरा ये ढूंढ करके दिखाइए, कि जब इस देखिए पहले से वाटर था वाटर का एक भी था आपने बाहर से क्या डाला एच जिससे आया एच प्लस सो एच प्लस इज अ कॉमन आयन वो कॉमन आयन आएगा और वाटर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा तो जैसे मैंने सिखाया था कि क्या होता होता है है केमिकल इक्विलिब्रियम में भी एक सीधा सा फंडा पहले कोई कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है फिर आप उसमें डिस्टर्बेंस डालते हैं डिस्टर्बेंस ऐड करेंगे तो डिस्टर्बेंस करने से क्या हो जाता है वो क्यू नॉट इक्वल टू के हो जाता है अब उसके बाद फिर क्या होता है डिस्टर्बेंस को हटाया जाता है डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए क्या होता है रिवर्ट करता है इक्लिब्रियम क्या करता है जो डिस्टर्बेंस आपने ऐड किया उसको खत्म करने की कोशिश करता है फिर नया इक्लिब्रियम आता है ये 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 दिस दिस इज इज द वे वी प्रोसीड इस तरह से हम चलते हैं है ना सो so, यहां पर भी कुछ ऐसा ही वाटर का इक्लिब्रियम था फिर उसमें डिस्टर्बेंस ऐड किया गया फिर डिस्टर्बेंस को मैनेज किया गया डिस्टर्बेंस को हटाने की कोशिश की इक्लिब्रियम ने नया इक्लिब्रियम आया सो so, यहां पर ना नया इक्लिब्रियम है जिसका पीएच आप निकाल रहे हो जीरो अगर सिर्फ अगर आप, आप, आपने अगर एच सल नहीं एड किया होता और ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे वाटर प्योर वाटर लेकर के आप पीएच पूछोगे तो आप खुद कहते हो ना ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे पीएच कितना होता है वाटर का सेवन होता है क्या रीजन है वाटर का डिसोसिएशन वाटर ऐसे टूटता है इस तरह से डिसोसिएट करता है पीएच सेवन आता है वो भी दिखाते हैं बट पहले मैंने एक बार बताया कि देखो हो क्या रहा है पहले वाटर इक्विलिब्रियम पर था फिर आपने डिस्टर्बेंस डाला और अब एक नया इक्विलिब्रियम आ गया ठीक है एक नया इक्विलिब्रियम आ गया नया आ गया ठीक है ये सिचुएशन। चलिए, so अब हमें और डेप्थ में जाकर के समझना है मैं क्या बोल रहा था कि हमें क्या क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि वो डेप्थ नॉलेज हमारी चेक करेगा ये कि वो सब तो ठीक है आपने निकाल दिया एच प्लस और pH भी निकाल दिया और वो जीरो आ गया बट यार ये तो बता दो कि एच प्लस जो सिर्फ और सिर्फ वाटर से आएगा वो कितना होगा सो so, क्या आप सोच रहे हो एच प्लस की वैल्यू जैसे हमने यहां वन पुट की थी तो वैसे ये भी वन हो जाएगा तो दोस्त मेरे आप गलत हैं H प्लस वन नहीं हो सकता ये जो H प्लस आपने लिखा ना दोस्त यहां जो लिखा है ना पी में वो हमेशा सॉल्यूशन का होता है पीएच जब भी पूछा जाएगा ना तो जो भी आप H प्लस लगाते हैं वो हमेशा सोल्यूशन का होता है इसी तरह से जो भी आप पी पूछेंगे वो पीओ जो भी पी पूछा जाता है उसके लिए आप माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस लगाएंगे वो ओएच oh माइनस भी सोल्यूशन का होता है वो ओ एच माइनस भी सोल्यूशन का होता है वो एच माइनस भी सोल्यूशन का होता है तो यहां कोई भी क्वांटिटी लिखिएगा ना वो सोल्यूशन का होगा है ना बट ये जो H प्लस है देखिए उसके नीचे ही बता दिया गया है कि दोस्तों वो तो H2O की बातचीत हो रही है H प्लस जो है वो H2O से जो आया है हमें वो चाहिए उसके बारे में बताओ तो देखते हैं ये कैसे निकालेंगे ये हमारा क्वेश्चन है देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम वाटर के इक्विलिब्रियम पर जाएंगे

कुछ नहीं ऐड किया बाहर से तो बाहर से जब तक आपने कुछ ऐड नहीं किया ना तो वाटर जितना एच प्लस बनाएगा उतना ही ओ एच माइनस वो बनाएगा ऐसे होता है दूसरे किसी और ओ एच माइनस और एच प्लस की बात हम नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ वाटर से आने वाले एच प्लस और एच माइनस की बात करें वो हमेशा सेम होते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि वाटर ऐसे टूटता ही नहीं है कोई भी सिचुएशन हो जिंदगी में वाटर ऐसे ही टूटेगा कि उससे आने वाला एच प्लस और OH will be same। so यार, मुझे ऐसा लिख देना चाहिए अभी तो यहां पर कुछ और मैं भी नहीं कर रहा सो आई कैन राइट स्क्वायर स्क्वायर और बिकॉज बोथ आर सेम ठीक है एंड के डब्ल्यू टेन पर माइनस फोर्टीन सो सी एच प्लस एंड ओ एच माइनस बोथ आर क्या बोथ आर टेन पर माइनस सेवन दोनों सेम है बिल्कुल दोनों सेम है दोनों ही सेम है

डिस्टर्ब दिसम इसलियम को कैसे डिस्टर्ब करेंगे ये जाएगा और इस एच प्लस के साथ जुड़ जाएगा जब जुड़ जाएगा तो देखो क्या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी जैसा मैंने इक्लिब्रियम में सिखाया था ठीक वैसे ही होने वाला है, है ना इक्लिब्रियम में जिस तरह से मैंने सिखाया था इनिशियल फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फिर ियम सारे तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। है सोल्यूशन में टेन वाइनस सेवन माइनस कितना होता है टेन पर माइनस सेवन ठीक है 10 बार 7, अब हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना सी मीनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे क्या ऐड करके एच सी एल सो सपोज दैट आई हैव HCl एंड दिस HCl इज 1M सो कितना H+ ये देगा 1M सो so, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ ऐड जैसे ही क्या, वैसे कैपेसिटी H+ की वैल्यू क्या बढ़ गई क्या हो गया बढ़ करके ये हो गए देखिए 10 पर हमारे 7 पहले से था अभी ऐड किया आपने 1 बट इससे कुछ नहीं हुआ अभी इस मोमेंट पर इस टाइम पर इस इस इंस्टेंट पर OH- को कुछ नहीं हुआ H+ को जो होना था वो H+ को हुआ है ठीक है अब देखो इसके बाद

सो so, कौन सा क्यूँ आ रहा है देखना आप, आपने किसे बढ़ाया है प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बढ़ाने से क्या हो जाता है क्यूँ बड़ा हो जाता है सो क्यू ग्रेटर देन के हो गया है ना प्रोडक्ट इंक्रीज किया है ना आपने प्रोडक्ट को इंक्रीज किया रिएक्टेंट इंक्रीज करते तो क्यों छोटा हो जाता है तो आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया है और वैसे भी आपको नजरों से भी दिख रहा है आप मैथमेटिकली भी बात नहीं करेंगे तो आपको पता है यू आर इंक्रीजिंग प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो डिस्टर्बेंस क्या है

टोटल इच प्लस कितने हो गए वन प्लस टेन पर माइनस सेवन अब इसमें से वैल्यू को कम करना है यहां से वैल्यू कम होगी बैकवर्ड चलना होगा तब इक्विलिब्रियम आएगा

आप यहां पर भी ये काम कर सकते हैं वन को आगे लेते आइए और टेन पर माइनस सेवन माइनस एक्स को एक साथ लिख लीजिए ठीक है और टेन पर माइनस सेवन माइनस एक्स ना छोटी वैल्यू ही होनी है एक्स जो है वो टेन पर माइनस सेवन से छोटा हो गया इतनी मैथ समझ में आ रही है आपको नहीं आ रही है <laughs> क्या होता है कि यहां पर लोगों का भेजा घूमने लगता है कि क्या हो रहा है टेन पर माइनस सेवन हो रहा है ये एक्स हो रहा है ये माइनस क्या हो रहा है ये ओ यार अगर आपका ना लीच एटलेस कमजोर है या आपने वो पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तब तो आप फंसेंगे ही चलिए मैं एक बार यूं ही फटाफट एक बार रिपीट कर दूं हालांकि रिपीट करना नीचे टाइम का वेस्टेज है बट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है समझने के लिए बहुत ही परेशान है तो चलिए आपके स्पिरिट का ध्यान रखते हुए मैंने क्या बोला कि H+ को इंक्रीज करना है कितने से इंक्रीज करना है 1m बाहर से ऐड किया तो 1 ऐड कर दिया ठीक है ऐड जैसे कि आपने OH- को कोई फर्क नहीं पड़ा बट देखिए Q बड़ा हो गया कैसे बिकॉज यू हैव इंक्रीज प्रोडक्ट

So that के पर 10 minus 7 plus 1 हो जाएगा। अब मैंने मैंने क्या बोला 10 minus 7 minus x ये बहुत ही small value आने वाली है। क्यों भाई x is also small. मैंने एक और बात पर बताई कि x इज लेस टेन माइनस सेवन ऑब्वियसली तभी तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी वन के सामने टेन टू दावर माइनस सेवन कैसी वैल्यू है वेरी 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 एक्सट्रीमली 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 आपने कहा है ना सेवन। अभी आपने वन के सामने टेंस सेवन को इग्नोर कर दिया और एक्स जो है वो फिर टेंथ माइनस सेवन से भी ये छोटी क्वांटिटी है तो वन माइनस एक्स को फिर से आप वन नहीं कर दोगे So, ये होल वैल्यू जो पूरी वैल्यू थी ना ये तो हमने समझदारी से इसको कितना लेता है, हमने वन ला दिया इसे, इसके बारे में हमें नहीं इन्फॉर्मेशन है बट वी द वैल्यू ऑफ एक्स ये पता लगाए तो ये कैसे पता लगाएंगे देखिए जो आपका इक्लिब्रियम है ना ये जो, ये जो इस इक्म का एक कांस्टेंट है के डब्ल्यू

कैसे डिफरेंस है यार जितना एच प्लस वाटर से आता है ना उतना ही ओ एच माइनस वाटर से आता है सो so, आपको नहीं दिख रहा है एच प्लस और ओ एच माइनस डिफरेंट है यहां पर देखिए एच प्लस को आपने अप्रोक्सीमेटली वन निकाल दिया लेकिन जो ओ एच माइनस है आपका वो टेन टू द पावर माइनस सेवन है जो ओ एच माइनस है वो टेन पर माइनस सेवन माइनस एक्स है ये है ना वैल्यू ओ OH एच माइनस की और आपने क्या बोला है हमेशा कि वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो जितना ओ एच माइनस होगा उतना ही एच प्लस होगा वाटर का है ना बाहर वाला बाहर वाले वैल्यूज को हम ऐड नहीं कर रहे हैं सो देखिए टेन टू पावर माइनस सेवन माइनस सिक्स इज द वैल्यू ऑफ ओ एच माइनस सेम विल बी ये जो ओ एच माइनस है ये सिर्फ कहां से आया सिर्फ वाटर से आया देखिए एच सी एल से तो ओ एच माइनस आ नहीं सकता तो ओ एच माइनस कहां से आया OH था माइनस वाटर से आया था OH minus water से आया so, oh You can write like this माइनस OH minus coming from water is actually OH minus coming from water is actually 10 power minus 7x, uh, 10 power minus 7 minus x. So मेरा कहना है फिर तो water से आने वाले plus भी तो यही होगा ना Answer yes हमेशा होगा यार H plus और OH minus water से हमेशा same आते हैं तो फिर ये one क्या है One पूरे solution का approximated value है H plus का H plus की approximated value है one पूरे solution के लिए Approximated? हाँ भाई देख ये वन वो वैल्यू है जो तूने बाहर से ऐड किया था और जो टेन पर माइनस एक्स है वो तो वही वैल्यू है 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 और, और, और बाजू में टेन जो जो पर माइनस सेवन माइनस एक्स था वो क्या था वो एच प्लस था वाटर का जिसे हमने इग्नोर किया क्योंकि वन के सामने ये वैल्यूज जो है इग्नोरेबल है मैं चाहूं तो इसको पूरा अरेंज करके लिख दूं है ना पूरी तरह से अरेंज फिर मैं वन के सामने टेन पर माइनस सेवन को इग्नोर करूंगा फिर एक्स भी टेन पर माइनस सेवन से छोटा है तो वन माइनस एक्स को भी मैं कितना लिख दूंगा वन लिख दूंगा बड़ी आसानी से देखा बट दिस टेन पर माइनस सेवन माइनस एक्स इज एच प्लस ऑफ वाटर

होता ही नहीं ये पूरा टूट जाता है बट जब H प्लस की बात आएगी कि टोटल H प्लस कितना है तो टोटल H प्लस दो सोर से आया HCl से भी आया और वाटर से भी आया ठीक है और HCl को जब जब आप वाटर में डालोगे एसिड को वाटर में डालो बेस को वाटर में डालो वो जाएंगे और वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे और जब वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा वाटर का इक्विलिब्रियम जैसे यहां पर क्या था वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया तो रिएक्शन कहां जाने लगा अब वाटर पहले था था इक्विलिब्रियम फिर आपने डिस्टर्ब किया Q हो गया बाहर से एसिड डालिए बाहर से बेस डालिए हमेशा क्यों हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि आप एच प्लस एड कर रहे होंगे याच माइनस एड कर रहे होंगे तो एच प्लस एड करने से या ओ एच माइनस एड करने से क्या हो जाता है क्यू हो जाता है और क्यों होगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा अब इक्विलिब्रियम आएगा बैकवर्ड और बैकवर्ड डेरेक्शन आने का मतलब ये दोनों अब कम होने लगेंगे सो so, जब जब आप बाहर से एसिड या बेस ऐड करेंगे वाटर में चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो सबका एक काम है वाटर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना और वाटर के एच प्लस और ओ एच माइनस को कम कर देना देखिए ना वाटर का ओ एच माइनस कितना था टेन बार माइनस सेवन ओरिजिनली अब क्या हो गया नए इक्विलिब्रियम पे कम वाटर का एच प्लस कितना था टेन बार माइनस सेवन जो बातें ओ एच के लिए बोलिएगा वाटर के वही बात वाटर के एच प्लस के लिए सही होगी समझ रहे ऐसे होगा है ना ये देखिए यही तो आईन का गेम है मतलब चीज़ें इतनी अच्छे से समझनी होती हैं रिलेट करनी होती है बहुत अच्छे से सो so, सेक्शन जो है अपने आप में सिर्फ वाटर का मतलब स्ट्रोंग एसिड का सॉल्यूशन जब हम पढ़ रहे हैं तो वही अपने आप में ना इतना प्यारा होता है बहुत प्यारे तरीके से रिलेट करने होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत मेहनत से रिलेट करने पड़ते हैं है ना लेकिन एक बार देखिए शुरू के जो टॉपिक हमने जैसा साइमल्टेनियस मैंने समझाया उसमें बातों को रिलेट किया अप्रोक्सीमेशन सिखाया लिखना सिखाया फिर जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ये सब बेस है दोस्त जो आपको तीन टॉपिक उधर लिखे थे ना मैंने बफर एंड हाइड्रोलिसिटी उनका बेस तैयार होता है इन छोटे टॉपिक से एसिड का सॉल्यूशन वीक एसिड का सॉल्यूशन जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक तो वो टॉपिक कैसे आएंगे <laughs> मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आज के लेक्चर से अगले लेक्चर से जितने थियोरिटिकल एस्पेक्ट है वो सब समझाकर फिनिश कर, कर दो ठीक है दैट हो गया तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर फर्दर आगे चलेंगे ऑलमोस्ट के हम ऑलरेडी चल रहे हैं वन आवर फोर्टी मिनट से है ना सो भाई Uh, क्या बात बता रहा था मैं कि अभी आपसे uh, पूछा जाए ये हो गया एच प्लस ऑफ सोल्यूशन जब आपने एड किया एच इज इज एडेड एडेड या एसिड एक्चुअली मुझे क्या लिखना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैं चलो वही लिख देता हूं स्ट्रोंग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एसे इज एडेड अगर एड किया जाएगा तो क्या होगा एसिड इज एडेड अगर एड करेंगे तब क्या होगा ंग एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करने से पहली बात तो ये हो जाएगी पूरे सॉल्यूशन का एच प्लस वैसे लिखना होगा दूसरा ऐड इन टू वाटर ना सेकेंड पॉइंट क्या होगा सेकेंड पॉइंट होगा डिसोसिएशन ऑफ वाटर डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड ेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज देखिए दोनों एक ही बातें सेकेंड एंड थर्ड बट मैंने खास करके दोनों लाइने लिखी फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इनक्रीज ठीक है इसके अलावा एच प्लस ऑफ एच टू ओ बराबर ओ एच माइनस ऑफ एच टू ये तो हमेशा होगा वाटर के अंदर यह चीज तो हमेशा होगी बोथ विल डिक्रीज जरा सोचो तो ये क्यों हो रहा है क्यों बोल रहे हैं लास्ट पेज पे थी ना ये बात जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डालेंगे ये बातें होंगी हमेशा ठीक है फिफ्थ क्या है पॉइंट ये, ये कोई इसे चेंज नहीं कर सकता के डब्ल्यू जो है वो हमेशा होगा एच प्लस पूरे सॉल्यूशन का मल्टीप्लाइड बाय ओ एच माइनस पूरे सोल्यूशन का वाटर का नहीं पूरे सोल्यूशन का के डब्ल्यू KW को किस बात से मतलब है पूरे सॉल्यूशन एच प्लस कितना है पूरे सॉल्यूशन कितना है दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के ही होगा और टेम्परेचर उन के सी होता है ना के डब्ल्यू के सी डिपेंस ऑन टेम्परेचर ओनली पे केपी के सी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं के स्किन प्रेशर पर भी डिपेंड करते हैं बताया हुआ है ओके सो यार अब क्या है वाह यप ठीक है ये पॉइंट होते हैं भाई अब आप ये पॉइंट रियलाइज कर रहे हो ये क्यों हुआ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज रिएक्शन बैकवर्ड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है तो में कौन था वाटर तो वाटर बनेगा बैकवर्ड चल रहे हैं तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा है तो डिसोसिएशन डिक्रीज कर गया और फॉर्मेशन बढ़ गया और बैकवर्ड चलेंगे तो दोनों एच प्लस एंड ओ एच माइनस देखिये बैकवर्ड चले बैकवर्ड चलना है तो OH कम हुआ ना टेन पर माइनस सेवन से तो एच प्लस भी कम होगा तो एच प्लस एंड ओ एच माइनस दोनों कम हो जाते हैं दोनों ही कम हो जाते हैं एच प्लस एंड ओ एच माइनस दोनों क्या हो जाते हैं। जबatures... आप बाहर से एसिड या, या बेस ऐड करोगे वाटर के डिसोसिएशन पे तो वो कॉमन एन इफेक्ट कहलाएगा क्योंकि कॉमनली आपको क्या मिलता है ओ एच माइनस मिलता है बाहर से बेस ऐड करोगे तो और बाहर से एसिड ऐड करोगे तो एच प्लस एड करेगा एच प्लस एड करोगे तो वो भी तो कॉमन ही है तो एडिंग एच सी एल एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दैट मींस के एच प्लस फ्री एच प्लस एंड और और बोला जाए तो अच्छा और स्ट्रॉन्ग बेस ओ एच माइनस डिक्रीजेस डिसोसिएशन वाटर बोथ आर कॉमन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर ये दोनों कॉमन आयन है इसीलिए पूरा प्रोसेस जो है ये जो पूरा इफेक्ट आया ना दिस इज कॉल्ड कॉमन एन इफेक्ट कॉमन एन इफेक्ट से अक्सर ये हो जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और डिसोसिएशन अक्सर डिक्रीज कर जाता है जनरली होता है ठीक तो है सो कॉमन एन इफेक्ट अब सॉल्विंग कैसे करें स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर भाई इनका अगर सॉल्यूशन है दोस्तों ियम so, ये equilibrium, ये इक्म जो वाटर का होता है और उसका जो इक्वेशन होता है सार सब कुछ इसी से डील होता है सब कुछ इसी से होता है, ये जो का है। solution, सब कुछ इसी से होता है इसी से होना है इसी से होना है कैसे इसी से होना के डब्ल्यू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे कितना था टेंस फोर्टीन और अभी जो आप पीछे जाएंगे आप एक बार पीछे चलिए देखिए यहां पर पहुंचिए इस पेज पर इस पेज पर हमने पूरा एच प्लस जो सोल्यूशन का निकाला था अप्रोक्सीमेट करके वो कहा पहुंच गया था 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 और जो OH था, वो कितना था? 10 -7 -x था, ठीक है आ जाओ अब इस पर आओ ये देखो ओके सो एच प्लस पूरे सोल्यूशन का हमने कितना अप्रोक्सीमेट करके निकाल लिया था वन ये आ गया था वन एंड देन यार ओ एच माइनस जो पूरे सोल्यूशन का था वो कितना था टेन पावर माइनस सेवन माइनस एक्स था आपको तो जरूरत भी नहीं है पूरा लिखने की आप पहले ओ एच निकाल लो। because क्या आपको पता है देखिए तो है? है, है? मुझे नहीं पता है पहले ओ एच माइनस निकाल लीजिए देखिए तो ओ एच माइनस की खुद की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों बताइए क्या आ गई टेंथ माइनस फोर्टीन गई ना सो अब ओ एच माइनस की जो वैल्यू एक्स के में हमने लिखी थी वो लिखते हैं टेन पार माइनस सेवन माइनस एक्स ये वैल्यू थी और ये बराबर किसके आ गई है टेन पार माइनस फोर्टीन के सोचिए आपको पहले ही बोला था ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है बोल रहा था ना मैं उस वक्त भी यहां पर जब हम थे देखिएगा जब हम यहां पर थे आहा। 17 खाली कैसे हो गया दोस्तों खाली हो गया ओह <laughs> कोई नहीं चलो सो पर जब थे तो मैं क्या बोल रहा था बार बार कि ये वैल्यू अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू आएगी

क्यों क्योंकि और कोई इक्ुब्रियम ही नहीं है जब कोई इक्लिब्रियम नहीं है तो कोई इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन नहीं होगा स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर किसका इक्लिब्रियम होता है वाटर का इक्लिब्रियम होता है अब अगर वाटर का इक्लिब्रियम है अगर वाटर का इक्लिब्रियम है वाटर काियम कॉन्स्टेंट आएगा वाटर काम कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन आएगा सारा काम उसी पर करना होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉग बेस को वाटर में डालिए ना एक ही क्ल्यूब्रियम कंसिडर करना होता है वाटर का इसीलिए एक ही आपके पास फॉर्मूला आएगा और काम आसान होगा बस यहां पर आपको अप्रोक्सिमेशन लेके समझना होता है कौन कम हुआ और एक बात का ध्यान रखना है कि वाटर से आने वाला H प्लस और वाटर से आने वाला OH माने दोनों सेम होगा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन अगर है आपने तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन अभी लिया है जो क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है वन एम एच सी एल का क्वेश्चन चल रहा है ना दोस्तों वन एम एच सी एल का क्वेश्चन चल रहा है तो वन एम एच सल का क्वेश्चन जो है वो स्ट्रॉग एसिड का सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन ठीक है अब अगर यार स्ट्रॉग एसिड का सॉल्यूशन है

That is why कि मैंने पहले एक पेज पर आपको ये लिख करके दिखाया था कि भाई H प्लस पूरे सॉल्यूशन का है ना बिकॉज के स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर है तो एसिड इन वाटर होगा ना दोस्तों पहले आप ऐसे लिखोगे ना स्ट्रॉग एसिड इन वाटर है तो ये पूरा ना एच प्लस ऑफ सोल्यूशन लेकिन ओ एच माइनस के लिए इतना थोड़ी ना लिखेंगे हम ओ एच माइनस के लिए क्यों नहीं लिखेंगे बिकॉज यार ओ एच माइनस तो सिर्फ वॉटर से आया है तो इतना तो ओ एच माइनस आ गया वॉटर का टेन पॉल माइनस फोर्टीन

ओके हाय सर आई एम सक्षम मक्कर याद आया यस 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 कुछ कुछ तो याद आया आ, श्रिया नहीं वन प्लस टेन बार माइनस फोर्टीन देखिए ध्यान से वन प्लस टेन बार माइनस फोर्टीन है ना श्रिया ध्यान से देखिए अभिषेक ने क्या लिखा है अभिषेक क्या लिख रहे हो नेट वन सॉल्यूशन का हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ना अनिरुद्ध पनिग्रही कल की <laughs> बात याद आएगी ओके okay, चलिए सो so अब एक आपके लिए काम मैंने क्या बोला था कि स्ट्रांग एसिड इन सॉल्यूशन में ना यही एक पॉइंट है बाकी तो यार पीएच निकालना तो कौन नहीं कर लेता है सभी लोग कर लेते हैं तो सपोज दैट मैंने आपको एचसीएल सॉल्यूशन या आपको स्ट्रांग एसिड का सॉल्यूशन दिया ठीक है स्ट्रांग एसिड सॉल्यूशन दिया और आपसे पूछा सपोज दैट यार के uh, HNO3 है और ना एच एन ओ थ्री वैल्यू मैंने टेन पर माइनस टू एम दी है आपको इसी तरह से एच बी आर दिया है वो टेन पर माइनस थ्री एम है और इसी तरह से मैंने आपको एच आई दिया है वो टेन पर माइनस फोर एम है इसी तरह से मैंने आपको एच सो फोर दिया है और वो टेन पर माइनस फोर एम है टेन तो पर माइनस फाइव एम है ठीक है, ये दिया है आपको क्या करना है पहले पीएच ऑफ सोल्यूशन बताना है दूसरा आपको फिर एच प्लस बताना है बताओ फटाफट मैं तब तक प्रोटीन शेक बनाऊं, है ना लेट अस मेक प्रोटीन शेक तब तक हो जाएगा आपसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी टू आवर्स thank <laughs> you नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आप अनिरुद्ध यार आयु किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ फन के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर मजा है मजे के लिए सॉल्व करना तो कीजिए नहीं तो अदरवाइज यार आयु किसी के लिए ओहो किसी ने लिखा है नया साल मुबारक ज्यादा जरूरत नहीं है ऐसे टू आई वैल्यू यहाँ वैल्यू टू आएगी चेक करो और ये आएगा टेन पर माइनस ट्वेल्व ये सही आया किसी का

और देखिए आपने अभी एक बात सीखी थी वाटर का अपना एच प्लस क्या होता है टेन पर माइनस सेवन लेकिन एसिड डालते ही वो क्या हो जाता है टेन पर माइनस सेवन माइनस था ना वाटर का एच प्लस वैसे तो टेन पर माइनस सेवन होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर लेकिन जैसे ही आप अगर बातें करते हो जैसे ही बातें करते हो कि आपने बाहर से कॉमन एंड डाला तो आप तो कॉमन एंड डाल रहे हो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है कॉमन एंड डाल रहे हो तो कॉमन एंड डालने पर क्या होता है वाटर का आयोनाइजेशन कम हो जाता है अभी था ना यहाँ पर लिखी थी ना बातें कि अगर कॉमन आयन आप इफेक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाता है सारे ये सारी बातें आती हैं आपने बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाला स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो जो कहानी H+ के लिए हो रही है, वो सारी कहानी हो जाएगी OH- के लिए सो तो आपने बाहर से स्ट्रॉग एसिड डाला डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बोथ विल डिक्रीज कौन सी एच प्लस और माइनस -7 होते हैं बडअप हो जाएंगे टेंथ बार माइनस सेवन ठीक है चलो अब आओ आगे मैंने यहां पर लिखा है कि ये टेन माइनस सेवन वैसा ओरिजिनल ही होता है लेकिन एसिड डालने पर यह बार माइनस सेवन माइनस सिक्स हो जाएगा और देखो एच प्लस एसिड का कितना है टेन बार माइनस टू यार टें माइनस टू के सामने एक ऐसी क्वांटिटी आप ऐड करने जा रहे हो जो बहुत छोटी है 10 माइनस सेवन से भी छोटी है तो अगर वो टेंथर माइनस सेवन से भी छोटी है तो टेंथ पॉवर माइनस टू के सामने ये इग्नोर नहीं हो जाएगा इग्नोर हो जाएगा होगा ना सो दैट एक्चुअली कि यार हमें फटाफट ये काम करना होता है अच्छा टेन पर माइनस टू एसिड से वाटर से कितना आएगा टेन पर माइनस सेवन से छोटा आएगा और इसके सामने ये क्या इग्नोर्ड है दैट मीन्स ये इग्नोर हो गया वैल्यू कितनी आ गई टेन पर माइनस टू ऑफ एच प्लस ऑफ होल सोल्यूशन पूरे सोल्यूशन का एच प्लस कितना आ गया टेन पर माइनस टू दैट एक्चुअली मीनस की पी एच कितना आ गया टू ठीक है

और फटाफट फड़ ओ एच माइनस निकालेंगे जिसे एच प्लस आ जाएगा सो so, एच प्लस लिखा हुआ तो है यहां पर बट यू ऑलरेडी नो दैट कि यार एच प्लस निकालने का आ गया वाटर का दैट मीनस के ओ एच माइनस निकालने का आ गया वाटर का मैं जाऊंगा के डब्ल्यू के एक्सप्रेशन पे एच प्लस लिखूंगा एच प्लस पूरे सोल्यूशन का लिखना होगा ओ एच माइनस पूरे सोल्यूशन का लिखना होगा वी नो दैट के ओ एच माइनस पूरे सोल्यूशन का एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ओ एच माइनस ऑफ वाटर है ये वाटर से आता ही है और के डब्ल्यू की वैल्यू तो वही फिक्स है 10 14. H का हमने यहां से निकाल करके पुट कर देना टेन पर माइनस टू सो टेन पर माइनस टू यहां टेन पर माइनस फोर्टीन के नीचे जाएगा सो ओ एच माइनस कितना आ जाएगा ओ एच माइनस कितना आ जाएगा टेन पार माइनस ट्वेल्व ठीक है सो so, यार और इसका पूरा शॉर्टकट क्या हो गया दोस्तों इसका पूरा शॉर्टकट ये हो गया कि अगर मुझे बोला गया क्वेश्चन ने बोला एच प्लस ऑफ एस मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे पता है मैं पूरा लिखूंगा नहीं बस ओरली ऐसे ही करूंगा एच प्लस ऑफ एस टू वो और वो कैसे निकलेगा के डब्बल्यू से और के डब्ल्यू में क्या आएगा एच प्लस ऑफ सोल्यूशन माइनस मल्टीप्लाइड माइनस ऑफ सोल्यूशन ये ये प्रोडक्ट कितना आएगा टेन टू बार माइनस फोर्टीन सो अगर एक टर्म टेन बार माइनस टूएल्व है तो दूसरा कितना हो जाएगा टेन बार माइनस टूएल्व ये इसका शॉर्टकट है जिसको मैंने पहले पूरा लॉन्ग तरीके से पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके दिखाया और अब आपको शॉर्टकट बता दिया कि यार देखो ना ये जो एच प्लस ऑफ सोल्यूशन है और जो एच प्लस ऑफ वाटर ये एक्चुअली ऑफ OH क्या है वाटर है और इसी ओ एच माइनस ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं ओएच माइनस ऑफ सोल्यूशन एंड यू ऑलरेडी नो दैट के ओ एच माइनस ऑफ सोल्यूशन एंड एच प्लस ऑफ सोल्यूशन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस फोर्टीन सो अगर एक की वैल्यू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन पर माइनस तो, और एक की टेन टू है, तो दूसरा टेन टू पर माइनस हो जाएगा दोस्तों टेन पर माइनस फोर आएगी फोर आ जाएगी और यहाँ पर माइनस फाइव जिससे पीएच की वैल्यू आ जाएगी फाइव और यहां पर वैल्यू आ जाएगी टेंथ तो पावर माइनस टेन यहाँ वैल्यू आ जाएगी टेंथ तो पावर माइनस नाइन ठीक है बट इन सब में एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर जगह है ना आपने एक यूज किया उसे भूलिएगा मत देखिए इस प्रीवियस क्वेश्चन में जाइए आपने एक अप्रोक्सिमेशन यूज किया था दोस्तों क्या अप्रोक्सिमेशन यूज किया था कि जो एच प्लस ऑफ सोल्यूशन है वो किसके बराबर आ गया था एच प्लस ऑफ एसिड के एसिड वन एम था तो पूरे सोल्यूशन का एच प्लस बन गया था और ये क्यों हुआ था क्योंकि ये प्रीवियस पेज में हमने सीखा था ये क्यों हुआ था थ्योरी होगी भाई ये क्यों हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि H प्लस जो पूरा पूरे सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का जो H प्लस है वो तो एसिड का प्लस वाटर का होता है बट वाटर का जो H प्लस है वो टेन टू द पावर माइनस सेवन से भी कम हो जाता है टेन टू पावर माइनस सेवन से भी जब कम हो जाएगा तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं इनफैक्ट कि मैंने यहां पर भी लिखा है पीछे जा भाई और पीछे चला जा थोड़ा हाँ इसे देखिए ना

अभी इसका कोई इसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसके सामने ये बहुत छोटा है पर अगर इसकी 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 वैल्यू इसके सामने रेस्पेक्टेबल कब होगी जब खुद ये छोटा हो जाए तो जब तक इसकी वैल्यू बड़ी है इसको इग्नोर किया जा सकता है आपको पता है ना दो टर्म है दोनों का एडिशन है और एक को इग्नोर तब किया जा सकता है कब किया जा सकता है जबकि बहुत छोटी वैल्यू है टेन परसेंट से कम हो है ना तो जब तक टेन परसेंट से कम वाली सिचुएशन है छोटी वैल्यू है ये

पूरे वैसे टू ईयर वन ईयर के जैसे पढ़ाते हैं बट यार बहुत स्मार्ट तरीके से मैं क्या करता हूँ लेक्चर्स में मैंने पहले तो लेक्चर ही सेलेक्ट किए हैं सारे फिजिकल के टफ और अच्छे और स्कोरिंग जो पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में भी एन में भी और आई में भी है ना सो यार मैं ऐसे ही लेक्चर को मैंने सेलेक्ट किया वैसे ही बनाया वाई इक्लिब्रियम का सेक्शन चल रहा है फिर ऑर्गेनिक पर जाएंगे वापस थर्मो पर आएंगे फिर ऑर्गेनिक पर जाएंगे फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे और फिर ऑर्गेनिक से फिनिश करेंगे पूरे सेक्शन को इस तरह से ऑर्गेनिक में हम ज्यादा भी काम कर पाएंगे अच्छा भी काम कर पाएंगे और बाकी फिजिकल इन ऑर्गेनिक के सबसे स्कोरिंग सेक्शन को कर पाएंगे ठीक है सेकेंड मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूँ कि आप एन एस सी एन एस ईसी यानी फर्स्ट स्टेज का भी ध्यान रखें फर्स्ट स्टेज के लिए स्पेशली मैं पेपर सॉल्विंग के थ्रू मैं दिखा चुका हूँ कि किसी ने बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया हो मेन्स के लिए भी प्रिपेयर किया हो वो भी हिट कर सकता है वो भी हिट कर सकता है और वो भी अच्छा कर सकता है एनएससी सी में फर्स्ट स्टेज में सो so, फर्स्ट स्टेज के लिए तो मैं बोलूंगा कि बेसिक जो प्रिपरेशन है आपकी जी मेन्स की उसके साथ साथ बस पेपर सॉल्विंग करते जाइए उसको ध्यान से देखते जाइए मैं कहीं पर कुछ अच्छी बातें जो बताता हूँ उनको ध्यान से देख लीजिए और उसके अलावा जो हमारे जो लेक्चर्स जो अभी जो है ये फोकस्ड है कि बेस तैयार कर दे थ्योरी में सेकेंड पेपर में स्कोरिंग सेक्शंस के लिए और फिर उसके भी हम सॉल्विंग कर लें ये प्लानिंग है ठीक है सो so, यार अब यहां तक हमने तो कर लिया कि और माइनस फाइव एम होगा तो सपोज दैट कि अब आपको क्वेश्चन दिया गया अच्छा इस पूरे में मैंने थीम में मैंने ये बताया कि हो क्या रहा है कि आपको ये दिखना चाहिए कि फंडा क्या था कि जो H प्लस है ना टोटल H प्लस वो बराबर आ रहा है H प्लस ऑफ एसिड के वाटर का पार्ट इग्नोर करके लेकिन मैंने अभी बताया देखो ट्विस्ट कब आएगा जब वाटर का पार्ट इग्नोर नहीं किया जा सकेगा और वो कब होगा जब खुद एसिड का अमाउंट कम होगा जब खुद एसिड का इफेक्ट कम होगा जब एसिड कम होगा तो वाटर की वाटर से आने वाले एच प्लस की जो वैल्यू है जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी है ना सपोज दैट आई हैव गिवन यू दिस एच सी एल विथ टेन पर माइनस सिक्स एम और मैंने इसके लिए आपसे पूछा कि इसका सॉल्यूशन है वाटर में ठीक है इसके लिए यार पीएच बताओ और इसके लिए ना एच प्लस ऑफ एच टू ये ढूंढो जैसे आप पहले कर रहे थे ठीक है सो आपने फटाफट पीएच एच सिक्स लिख दिया इसे देख करके और एच प्लस ऑफ एच टू को कितना लिख दिया टेन पावर माइनस एट लिख दिया ठीक है एजम्पन क्या था एजम्पन था कि वाटर से आने वाला एच जो है वो

फिर चले सॉल्यूशन एसिड का एच प्लस टेन टू दावर माइनस थ्री एसिड के एच प्लस के सामने वाटर का है बिल्कुल इग्नोरेबल सॉल्यूशन का एच प्लस जो है वो मान लिया एसिड के H के बराबर सो so, इस तरह से ये सारे जस्टिफाइड थे अब आगे बढ़े यहां पर आए फिर एच प्लस एसिड का टेन पर माइनस सिक्स और सोल्यूशन का पीएच भी मैंने सिक्स माना ठीक है अब आगे बढ़िए एच प्लस ऑफ वाटर आपने टेन पर माइनस एट लाया So H प्लस यहां पर पूरे एसिड का या पूरे सॉल्यूशन जो आपने माना है वो यान माइनस और आपको पता है ना कि वाटर का अगर नहीं दिखा तब तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे ऐड करना इस वैल्यू को देखिएसेंट ऑफ टेंस है, है? 10 बार 6 है। कि yes, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर कीजिए उसे सही है फिर इसका मतलब यहां तक भी हमारा अप्रोक्सीमेशन काम कर रहा है हमारा अप्रोक्सीमेशन काम कर रहा है दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद वाला सेक्शन देखते हैं कि अगर एच सी एल टेन पर माइनस सेवन हुआ तब क्या करेंगे एच सी एल टेन पर माइनस सेवन हो गया अब क्या करेंगे आप तो एच सी एल अगर टेन पर माइनस सेवन हो गया एच सी एल अगर टेन दो बार माइनस सेवन हो गया तो क्या मैं ऐसा कर दू पी एच को सेवन लिख दू ऐसा करते ही ना आपको ना काला पानी भेज दिया जाएगा पीएच सेवन कैसे कर दिया आपने किसी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच सेवन होता है क्या ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे कभी नहीं होता है किसी एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच सेवन आ ही नहीं सकता तो ऐसा लिखते ही आपको पढ़ के चाटे आप चले गए घाटे में तो पीएच इक्वल टू सेवन नहीं लिख सकते तो गड़बड़ हो गई ना अब यहाँ पे पूरी समझदारी से काम करना होगा सो so, आपको पता चला कि जितने कॉन्सेंट्रेशन दिए जाते हैं 10 टू द पावर माइनस सिक्स तक तो बिंदास टेन टू पावर माइनस सिक्स तक लिखे गए हैं टेन टू पावर माइनस सिक्स तक वैल्यू दी गई है पी एच वाई हो जाएगा क्योंकि वाटर का जो पार्ट है वो इग्नोरेबल होता है लेकिन जैसे ही अब आपने यहाँ पर पी लिख दिया ना सेवन बस आप फंस गए इसलिए क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा जो इतनी देर से अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही थी और वाटर के पार्ट को इग्नोर करने की बात हो रही थी अब वो पार्ट यहां पर नहीं होगा अब वाटर का पार्ट इग्नोर नहीं होता टेन टू पावर माइनस सिक्स के नीचे वाटर का जो वाटर से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो इग्नोर नहीं होता इसीलिए ट्विस्ट तो टेन पावर माइनस सिक्स के आगे है ठीक है इग्नोर नहीं किया सकता तो अब इग्नोर नहीं कर, करेंगे तो क्या करेंगे करके बताएंगे। वैसे आपसे तो आप बोलूंगा के, के कौन सी वैल्यूनविन ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा 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 है सॉल्यूशन का एच प्लस जो कौन सी वैल्यू टेन पर माइनस टू या टेन पर माइनस टू प्लस टेन माइनस टूवल्व करेक्ट आंसर है टेन टू दाइनस टू प्लस टेन माइनस बट टेन टू माइनस टू के सामने कर दिया समझ रहे बट दैट डजन मीन रियल वैल्यू जब आपसे पूछी जाए तो आप बोल दो नहीं रियल वैल्यू इज टेन टू द पावर माइनस टू प्लस टेन पावर माइनस टूवल्व बिकॉज दोनों तरह के एसिड कैच प्लस एसिड कैच प्लस है ना टू और वाटर के एच प्लस दोनों ऐड होंगे तब तो टोटल तो इग्नोर करके रखते हैं ना बट कभी अगर रियल वैल्यू पूछे तो केयर करना बताना कि हाँ दोनों ऐड करके ही आता है तो एच प्लस बराबर एच प्लस ऑफ एसिड प्लस एच प्लस ऑफ वाटर अब देखो वाटर का एच प्लस वैसे तो टेन वाइनस सेवन होता है एसिड के प्रेजेंस में थोड़ा कम होता है लेकिन यहाँ जो भाई साहब ये खुद ही टेन पर माइनस सेवन के रेंज में आ गए अब इसके सामने ये इग्नोर होगा कोई जरूरी तो नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना कितना कितनी वैल्यू रखता है ये खुद पर पर और ये टेन पर माइनस सेवन से कुछ कम है कितना कम है ये पता नहीं है और एसिड कमजोर हो चुका है जब एसिड बहुत स्ट्रॉग होता है तो इस पर बहुत बहुत नुकसान पहुंचता है इसको है ना वाटर का इक्लिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है और वाटर का काम अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तब क्या होता है तब जो वाटर का H और वाटर का H है वाटर सेवन से लेकिन पर कम पड़ेगा वाटर का शिफ्ट होगा, लेकिन हल्का सा, थोड़ा सा कम शिफ्ट होगा जब कम शिफ्ट होगा तो यहां पर बहुत कमी नहीं आएगी एच प्लस ऑफ वाटर में और एच माइनस ऑफ वाटर में बहुत कमी नहीं आएगी जो भी कमी आएगी वो क्या होगा भाई वो इतना होगा इतना ही होगा कि इसकी इज्जत बची रहेगी एच प्लस जो एसिड का है उसके सामने इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है तो अब इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मजबूरी में करेंगे आप यही तो कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं ठीक है सो भाई आप इसको कीजिए अब करने के लिए आपके पास दो तरीके या तो मैं इसको ऐसा लिख दू टेंस माइनस सिक्स या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये बोलूं कि मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में जब आपने एसिड डाला जब आपके पास एसिड है टेंथर माइनस सेवन तो इस सिचुएशन में वाटर से आने वाला एच प्लस मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने यहां पर इस पूरे को मान लिया जिसको मैं पहले कितना लिख रहा था वाई को लिख रहा था ना टेन पर माइनस सेवन माइनस सिक्स मैंने इतना भी नहीं लिखा मैंने बोला ठीक है यार मुझे यह पता लगाना है कि नए सिचुएशन में वाटर से आने वाला एच प्लस ये कितना होगा यार चलो ना उसे वाई मान लेते ठीक है वाई मान लिया पूरे सॉल्यूशन का एच प्लस ऐसे लिख सकते हैं अब KW के डब्ल्यू के एक्सप्रेशन पर गए OH तो और, और OH OH तो होता, होता है वही माइनस ऑफ वाटर होता है सो आई शुड राइट वाई हियर ऑल्सो देखा और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी लिखनी है quadratic, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कीजिए जब आप सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगी पॉइंट सिक्स टू इन टू

इग्नोरेबल होता ना जब टेन परसेंट से कम होता दैट इज टेन टू द पावर माइनस एट से भी कम होता तो टेन टू पावर माइनस एट से ये कम नहीं है ये ज्यादा है समझ रहे सो टेन टू दावर माइनस सेवन के सामने यू कैनॉट इग्नोर दिस वैल्यू है ना मैं यहाँ पर जाऊँ और फिर से लिखू भाई पूरा एच प्लस ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया पूरा एच प्लस ऑफ सोल्यूशन को तो कुछ होता ही नहीं है ये तो टेन वार माइनस सेवन है जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है एच प्लस ऑफ वाटर पे पड़ता है और अभी हमने इसको कैलकुलेट किया और वो कितना है माइनस सेवन आया क्वाड्रेटिक से वाई मान करके सॉल्व किया था इसको हमने अभी है ना सो ये हो गया टोटल वैल्यू अब वैल्यू कितनी दिखाएगी वन पॉइंट माइनस सेवन देख रहे हैं अब निकालिए पीएच ये पीएच आएगा सेवन माइनस लॉग वन पॉइंट सिक्स टू लॉग वन पॉइंट सिक्स का जो पीएच होता है वो याद रखिए अक्सर ये वैल्यू आती है तो जीरो पॉइंट टू के अप्रोक्स होता है तो अप्रोक्सिमेट वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट एट के आसपास देखा अब देखिए अब फिर से मैंने एच सी एल आपको दिया टेंट एम अब क्या कीजिएगा आप इसका मैंने पूछा कि पीएच निकालो फिर इसमें मैंने ये भी पूछा कि एस प्लस ऑफ वाटर बताओ यार आप क्या करोगे आप बोलोगे टेन वन माइनस एट ये तो टेन वन माइनस सेवन से भी छोटा है तो क्वेश्चन है कि कैन वी से दैट एच प्लस फ्रॉम एच टू वो इज मोर इंपॉर्टेंट और पता है कि ये जितना सेक्शन पे मैंने इतना इतना जो समझाया ना दोस्त ये एक्चुअली पूरा बेस है पूरा का मेरी नजर में आप पूरा अच्छी तरह से पूरी तरह से आप ये समझ रहे हो पूरे पूरे कनेक्शन आप बना रहे हो कि किस तरह से एसिड ने स्ट्रॉन्ग एसिड ने वाटर के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और जब डिस्टर्ब किया तो किस तरह से वैल्यूज को लिखना चाहिए किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहिए कौन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ किया और वाटर का एच प्लस जो है वो पूरे सॉल्यूशन के एच प्लस से अलग है उसका एग्जिस्टेंस अलग है वाटर का एच प्लस वाटर का एच माइनस बराबर होंगे बट इन दोनों की वैल्यू पूरे सॉल्यूशन के एच प्लस से बहुत डिफरेंट हो सकती है या क्लोज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाला है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है है ना सेम कहानी बेस के साथ भी होगी बेस के साथ भी तो कैन वी से दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर देन एच प्लस ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं क्या अरे यार कैसे बात कह रही जब टू द पावर माइनस सेवन वाले में जब टू द पावर माइनस सेवन वाले में वाटर की इंपॉर्टेंस थी है ना लेकिन हाँ ऑब्वियसली हमने देखा था मतलब यहाँ पर तो मैं ये पूछ रहा हूँ कैन सेल एस इज मोर इम्पॉर्टेंट एयर देन एच प्लस ऑफ सोल्यूशन और मोर इम्पॉर्टेंट से अच्छा होगा ना मैं ये बोल दू एच प्लस ऑफ देखो मैं लैंग्वेज को ना और बहुत क्लियर कर दू कैन वी सेट एच प्लस ऑफ एस टू हैज हाँ ये क्लियर कर दिया मैंने लार्जर मैग्नीट्यूड दैट एच प्लस ऑफ एस सी एल यह पता लगाना अच्छा बार सेवन वाले केस को देखते हैं माइनस सेवन वाले केस में क्या टेन पर माइनस सेवन वाले केस में क्या दिखाई दिया था कि जो वाटर का आया था वो जीरो पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन पर माइनस सेवन था जो खुद एसिड का था वो टेन पर माइनस सेवन था तो अभी तक इस केस था टेंथ दो पावर माइनस हम चले हम चले थे वन एम एच सल से वन एम एच सल से हम पहुंच गए टेंथ बार माइनस सेवन तक सोचो वन एम से कम करते करते कॉन्सन्ट्रेशन को टेंथ बार माइनस सेवन तक पहुंच गया जब टेंथ बार माइनस सेवन पर पहुंचे तो एच प्लस ऑफ एच सल टेन बार माइनस सेवन है एच प्लस ऑफ एच जीरो पॉइंट टू इंटू टेंथ बार माइनस सेवन है ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा अब अगले सेक्शन में ये पूछा है कि अगर इसको टेन पावर माइनस एट कर दिया जाए तो जो एच प्लस ऑफ वाटर है वो टेन टू दाइनस एट से बड़ा आएगा या छोटा आएगा ये क्वेश्चन था है ना इस लैंग्वेज का एक्चुअली ये मीनिंग है कैन से दैट प्लस फ्रॉम वाटर हैज लार्जर मैग्नीट्यूड देन ऑफ ये पता लगाना है देखते हैं पता लगाए क्या कैसे पता लगाएंगे बड़ा इजी यार कैसे पता लगाएंगे लेकिन ये बताओ सो so, हम क्या करेंगे पहले एच प्लस ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे एच प्लस ऑफ एसिड प्लस एच प्लस ऑफ वाटर हो जाएगा है ना फिर से हम पे जाएंगे फिर से सॉल्विंग करेंगे बट एक और तरीका है पे बिना जाए हुए थोड़ा सा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करते हुए मैंने क्या बोला देखो भाई लास्ट जब तुमने सॉल्विंग की थी ना तो वैल्यू वैल्यू जो थी वो 0.62 टाइम्स ऑफ 10 टू दर माइनस सेवन थी और कमजोर कर दोगे जब एसिड और भी वीक हो जाएगा more more weaker, 10 7. कि यार, ये जो वैल्यू है बढ़ जाएगी सो टेंगी यही तो आप देखते आ रहे हो ये जब बहुत ज्यादा था यह बेचारा कम था फिर ये जैसे जैसे कम होते गया? इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बढ़ते गई बढ़ते गई याद कीजिए ना जब आपने एच सी एल को वन एम रखा था तो वाटर से आने वाला एच प्लस था टेन टू दावर माइनस फोर्टीन फिर आपने इसे टेन टू पावर माइनस टू किया ये हुआ टेन पावर माइनस टू देखिए ये बढ़ रहा है इनक्रीज कर रहा है ना और ये क्या हो रहा है छोटा हो रहा है फिर आप टेन्थ बार माइनस फाइव पर पहुंचाइए टेंथ पर माइनस नाइन पर आगे देखिए बढ़ गया टेन बार माइनस फोर्टीन से टेन बार नाइन तो जैसे जैसे आप एसिड के स्ट्रेंथ को कम करते हैं वाटर पे इफेक्ट कम पड़ता है वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कम होता है जब वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कम होगा तो वो ज्यादा एच प्लस प्रोड्यूस करेगा सो अब आप एच सी एल के अमाउंट को और भी कम कर दो जब एस सल के अमाउंट को और कम करोगे तो क्या दिखाई देगा कि वाटर का जो एच प्लस है वाटर का एच प्लस वो और भी बढ़ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू से तो वैल्यू बढ़ी आएगी अब मैंने ये सोचा कि अच्छा जीरो पॉइंट सिक्स टू से वैल्यू बढ़ी आएगी कहीं ये वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन आ गई तो क्योंकि आपको बताया जीरो पावर माइनस सेवन को मल्टीप्लाई कर रहे जीरो पॉइंट नाइन से ठीक है सो so, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू इस वैल्यू को देखिए ध्यान से अगर 90 परसेंट को क्रॉस करे कोई डेटा तो हम क्या बोलते हैं उसी की डोमिनेंसी 10 परसेंट से कम वाले इग्नोर हो जाते हैं 90 परसेंट से ज्यादा वाले क्या हो जाते हैं हो 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 उन्हीं की वैल्यू आ जाती है भाई तो मैं अगर ऐसा बोलता कि इस सिचुएशन में जहां पर क्या आपको ना बोला गया है टू द पावर माइनस एट कर दीजिए एसिड का मैं बोलता कि मैं देखना चाहता हूं अगर वाटर का टेंट दावर माइनस सेवन मैंने मान लिया अगर मैंने वाटर का टें टू द पावर माइनस सेवन माना कंट्रीब्यूशन जो के होगा नहीं रियलिटी में नहीं हो सकता वाटर टू माइनस सेवन एम एच प्लस या ओ एच माइनस तभी देता है जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और साथ में उसमें कुछ मिक्स ना किया गया हो आपने तो मिक्स किया हुआ है तो क्या वाटर टेंथ बार माइनस सेवन दे पाएगा कभी नहीं टेंथ बार माइनस सेवन की क्लोज वैल्यू दे देगा टेंथ माइनस सेवन एक्जैक्ट कभी नहीं दे पाएगा क्यों क्योंकि आपने एसिड मिक्स किया हुआ है बहुत ही कम एसिड मिक्स किया बट स्टिल मिक्स किया हुआ है तो so, मैंने क्या किया मैंने बोला कि ठीक है टेंथ बार माइनस सेवन तो नहीं आ सकता बट लास्ट पेज का जो कैलकुलेशन था ना उससे मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि वैल्यू जब बढ़ेगी ना अभी यहाँ पर से तो बढ़ करके जीरो पॉइंट सिक्स टू से वो हो जाएगी वो ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट नाइन कुछ हो सकती है तो जब इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी वाटर की टेंथ बार माइनस सेवन कितना क्लोज चला जाएगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने टेंथ बार माइनस सेवन अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है सो so, मैंने पहले इतना मान लिया जो 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 वाटर वाटर का का है है ना ना दोस्त ये जो वाटर का जो एच प्लस है ना, मैं मान के चल रहा ऐड करके देखा टेन बार माइनस सेवन आया ठीक है ये वैल्यू आई एच प्लस ऑफ सोल्यूशन की सो एच प्लस ऑफ वाटर कैसे निकलता है याद कीजिए कैसे निकलता के डब्ल्यू का यूज करके सो के डब्ल्यू यूज करते अगले पेज पे चलते

सच में आ गया। In fact, ये आएगा है ना? कितना होता है? ऐसा कुछ आएगा। देखा? बहुत चला गया 10 पर 7 के। मैंने मैंने क्या माना था, बताओ? मैंने माना था था बताओ? मैं कितना परसेंट सही हूँ जरा देखना मैं कितना परसेंट सही हूँ इससे परसेंटेज निकालो यार कितना परसेंट सही हूं मैं कितना परसेंट गलत हूँ नौ परसेंट गलत हूं मैं दस परसेंट से कम गलत हूँ ना दैट कि मैंने जो मीनिशन माना था ना ओहो वो अप्रोक्सीमेशन काम कर सकता है हालांकि वो एक्जैक्टली exactly सही नहीं है टेंथ बार माइनस सेवन वाटर से आने वाले तभी होगा जबकि ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर और साथ में उसमें कुछ मिक्स ना किया हो गया तो ये वैल्यू लिखना जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है मुझे जब मैं लिख रहा था तभी पता था बट मैं फिर भी लिख करके आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि इस्क है तो रिस्क है यही तो करते हैं ना सॉरी रिस्क है तो इसक है हमें जब उल्टा ही बोलता हूँ बहुत चला भैया डायलॉग तो मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ रिस्क तो लीजिएगा मतलब अप्रोक्सीमेशन का आपको बाप बनना है भाई पुराणिक में अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड चैप्टर तो एकदम बिंदा सा अप्रोक्सीमेशन ले करके तोड़ फोड़ मचानी है तो मैंने बोला कि भाई टू पावर माइनस सेवन का क्लोज तो वैल्यू चली जाएगी मैं रिस्क लेता हूँ ताकि टेंथ पार माइनस सेवन पर लेने पर मुझे दिखे कि मैं कितना परसेंट सही हो रहा हूँ ओ माई गॉड क्या हो गया मैंने टेन पर माइनस सेवन लिया एच प्लस को वैल्यू टोटल टोटल एच प्लस की आ क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे वैल्यू और उससे मैंने वो में डिफरेंस कितने का नाइन परसेंट का तो मैंने बहुत गंदा तो एजम्स नहीं लिया था मैंने इनफैक्ट बड़ा अच्छा लिया था कि टेन पॉवर माइनस सेवन की मैं क्लोज चला जाऊंगा बहुत क्लोज चला गया और इसका मतलब है कि इस टेन टू दावर माइनस एट वाले केस में मैं यहां पर पिछली बार याद है ना टेन पर माइनस सेवन वाले केस में क्या किया था इसको वाई मान लिया था वाई मान करके अननोन के सॉल्विंग की थी मैं अननोन मान करके फिर से इस बार सॉल्विंग कर सकता हूँ और आंसर ला सकता हूं बट ये भी तो एक कला कलाकारी थी कि मैंने क्या किया कि अननोन माना ही नहीं मैंने नोन ही मान लिया ये सोच करके कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जीरो पॉइंट सिक्स टू था ना इस वाले केस में जीरो पॉइंट सिक्स टू वैल्यू थी और जीरो पॉइंट टू से कितना आएगी, ये पता नहीं है ना टेन पर माइनस सेवन एज्यूम करके चलते हैं देखते हैं क्या हो सकता है कितना परसेंट में गलत आता हूँ मैं सिर्फ नौ परसेंट गलत साबित हुआ समझ रहे हैं तो ये जो वैल्यू जो मानी थी ना ठीक है आपके पीएच के लिए कैलकुलेशन वगैरह के लिए आप ले सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इनफैक्ट के ऑपरेशनल वैल्यू के रूप में यूज किया जा सकता है इसको क्योंकि आप आपका ये मानना गलत तो है बट बहुत ज्यादा गलत नहीं है तो चलेगा बट रियलिटी में तो गलत ही है ही है ना लेकिन देखिए आयनिक में ना एग्जैक्ट रियलिटी से मतलब नहीं होता है क्योंकि कैलकुलेशन इतना हार्ड होता है इतना टफ होता है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं होता दोस्तों मतलब किससे रह जाता है मतलब रह जाता है इस बात से मतलब रह जाता है इस बात से कि आप कैलकुलेशन करके मतलब जो रियल वैल्यू है वहां तक हमारे लिए पहुंचना कैलकुलेशन से बहुत मुश्किल होता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं इससे मतलब होता है यही कला मैंने सिखाई आपको इस पूरे सेक्शन से और यही एक्चुअली पूरे पुरानी का क्या बेस है तो इस टॉपिक को कराने का सबसे बड़ा मकसद था कि आप पहले देखें कि सोचने का तरीका क्या होता है कैसे सोचते हैं किस तरह से वैल्यूज को निकालते हैं ठीक है सो so, अब अगर मान लीजिए जाए कि अगर एच या कोई भी स्ट्रॉग एसिड है टेन पर माइनस फाइव एम है तो हमें पीएच क्या लेना है अगर एच सी एल टेन पर माइनस सिक्स क्या लेना है टेन पर माइनस सेवन एम है तब पीएच क्या लेना है और टेन पर माइनस एट एम है तो पी एच अप्रोक्सीमेटली क्या लेना है सो so, भाई यहां तक अपू टेन पार माइनस सिक्स कुछ सोचने नहीं होता अपटू टेन पार माइनस सिक्स एम वाटर का एच प्लस यह क्या होता है इग्नोर्ड हो जाता है

टाइम देके अच्छे से एकदम क्लियर किया क्योंकि यही बेस है भाई ये सेक्शन कोई भी समझ रहा है बंदा जो आईनी अच्छा करना चाहता है मैं तो उसको बोलूंगा पहले तू ये समझ ले जब ये समझेगा तो कोई भी सेक्शन आईनी अच्छा कर सकता है तो एच प्लस ऑफ वाटर ये टेंथ पावर माइनस यहाँ पर आएगा माइनस एट अगर आप जाएंगे तो देखिए पी पहले आएगा पी एच नहीं आता यहाँ पर पी कितना आता है टेंथ पावर माइनस सेवन के साथ एडअप किया था ना आपने जीरो वाला आया था तो पीएच 0.8 के आसपास आया था और H+ जो वाटर का था वो आया था 0.62 10 पर -7 के एप्रोक्स ठीक है फिर यहां पर आइए 10 पर -8 पीएच यहां पर कितना आएगा सो भाई यहां पर का आपको H+ अभी हमने कैलकुलेट किया था वो दिखा दे H+ की वैल्यू जो टोटल आई थी वो हमने ये अज्यूम की हुई थी ठीक है 1.1 10 पर -7 अगर आप इससे पीएच निकालेंगे ना पीएच आएगा 7 log 1.1 So, तो डायरेक्ट आती है दोस्तों ये बार -बार जाता है। इसी के, इसी की वजह से पूछा जाता है कि, ये आता भी है कि नहीं आपको चेक करने के लिए सो so, यार कई बार लोग तो वैल्यू रट जाते हैं आप भी रट सकते हैं पीएच जीरो पॉइंट एट लिखा मैंने। हो ना ठीक है सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स एट PH obviously बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल एच प्लस है वो कम हो रहा है एच प्लस फ्रॉम वाटर ये अप्रॉक्सिमेटली कितना आया करेक्ट आंसर में सेवन तो लिख नहीं सकता 10 7, क्यों ये तो हो ही नहीं सकता तो हमने जो वैल्यू निकाली है पर वो लिखेंगे ये ज़्यादा है इस वैल्यू को लिखेंगे हम इस वैल्यू को हमने लिखा पर जाए, जाएगी ठीक है एकदम सेम सिमिलरली ना हम सारा काम करते हैं स्ट्रॉग एसिड का सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल द कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एज सेम एज इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वैसे ही होता है ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का भी होता है ठीक है तो अगर सपोज कि आपसे सॉल्यूशन दे दिया जाए बेस का और लिखा जाए टेन पर माइनस फाइव एम एन एच टेन पर माइनस सिक्स एम एन एच 10 बार माइनस 7 मेनो ही एच एंड 10 बार माइनस 8 मेनो ही एच अब बताइए इनका आपको बताना है पीओएच तो जैसे वहाँ पीएच निकलता था ठीक है यहाँ पर यहां पर पीओएच निकल जाएगा पीएच आ जाएगा 5 6 है ना और यहां पर कितना आया था याद कीजिए 6.8 और यहां पर कितना आया था 6.96 अब पीओएच से पीएच कैसे निकालते गाइस तो आपको पता है ना पी एच बराबर पीओ एच तो फोर्टीन माइनस पीओ एच लगा लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट वैल्यू थी एच प्लस की सेम वही वैल्यू आएगी क्योंकि बस एच प्लस के यहाँ पर जीरो पॉइंट नाइन इंटू टेन वाइनस सेवन वैल्यूज सिर्फ H प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा कुछ नहीं करना और की जगह पर ओ और कुछ नहीं करना हाँ। सो भाई अब स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सेक्शन को देखा है हमने कि किस तरह से काम करता है तो इसके बाद है वीक एसिड वाले सेक्शन को देखना तो सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड को

ये ये वाला पार्ट पूरा और ये प्लस देख रहेगा तो हाँ, वो इनऑर्गेनिक है। तो होते हैं है। है? है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेना हमें वीक एसिड लेना है तो वीक एसिड में फॉर्मिक एसिड वगैरह ना बहुत फेमस है कार्बोक्सिलिक एसिड उठाई ये सारे के सारे क्या है सब वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं वीक एसिड लेना है आपको क्योंकि वीके से डिक्लिबरियम बनाएगा समझ रहे हैं बात हाँ बताइए अरे और वीके तो से वाले सेक्शन को फिनिश किया जाए कैसे फिनिश करेंगे वीके एसिड वाला सेक्शन को पहले कोई वीक एसिड कंसीडर करेंगे जैसे कि कंसीडर कर रहे थे यहां पर ओके 3:30 पीएम वी हैव द नेक्स्ट सेशन हम्म ठीक है सो हमारे पास टाइम है थ्री ट्वेंटी तक हो जाएगी इसके सारी मेन बातें चलो सेशन थ्री ट्वेंटी पर खत्म करेंगे ठीक है देखो वीक वाले सेक्शन में मैंने बताया कि भाई आप क्या लोगे ऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं अब किसी ऑर्गेनिक एसिड को उठाइए या जैसे मैंने रफली क्या कर लिया एच ए ले लिया एच ए पर ही काम किया सो एच एच प्लस को ब्रेक किया है। और पता है मुझे कि एसिड है तो एसिड के लिए कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा के होगा तो मैं के की वैल्यू लिख सकता हूं बट मैंने अभी साइड में बस के ए लिखा कि इसका कोई एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी केसी का फॉर्म होता है क्योंकि आप यहाँ पर सोल्यूशन के लिए लिख रहे हो ठीक है सो so, वो भी केसी का फॉर्म है ए माइनस भी अकवासी है सोल्यूशन फेज में है। अब हमें पता है कि जब वीक एसिड होगा तो दो इक्लिब्रियम होंगे एक, वीक और एक वाटर का, तो का बट एक बात का ध्यान रखिएगा आपको अभी एक पॉइंट लिख करके दिखाया था मैंने क्या लिखा था कि अगर पूरे सॉल्यूशन का एच प्लस टेन टू द पावर माइनस सिक्स से ज्यादा हो पूरे सॉल्यूशन का एच प्लस अगर टेन दाइनस सिक्स से ज्यादा हो तो वाटर का ना डिसोसिएशन जो है वो निगलेक्टेड होता है तो अच्छी बात यह कि आपको पूरे आयनिक में एक बार आप स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन से आगे बढ़ गए एक बार एसिड के सोल्यूशन से आप आगे बढ़ गए उसके बाद आपको ना किसी भी सेक्शन में एच प्लस की वैल्यू टेन टू द पावर माइनस सिक्स से कम देते ही नहीं है क्योंकि आपका यह एजम्शन हमेशा वैलिड हो कौन सा एजम्पन कि वाटर का डिसोसिएशन नेगलेक्ट करना है क्योंकि अगर वाटर का डिसोसिएशन नेगलेक्ट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनते हैं क्यूबिक इक्वेशन बनेंगे या हायर पावर्स के बनेंगे और वो आप अपने सिलेबस में डील नहीं करते सो so, समझिए इस बात को क्या बोला मैंने कि आप एक बार ना स्ट्रोंग एसिड के सेक्शन से आते हैं बाहर आते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के सेक्शन से बाहर क्या है वीक एसिड का पूरा सेक्शन है वीक एसिड स्ट्रॉग एसिड की मिक्सिंग है फिर हाइड्रोस बफर और सोलिब्रिटी है तो आपको कभी भी जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने डिस्कस किया ना अभी टेन पर माइनस सेवन एम वाली वैल्यू टेन पर माइनस एट एम वाली वैल्यू तो ये जो वैल्यूज है ना ये वैल्यू डिस्कस ही होती है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सेक्शन में एक बार आप स्ट्रॉन्ग एसिड के सेक्शन से निकल गए फिर किसी भी सेक्शन में आपको ना उस छोटी वैल्यू को नहीं दी जाती आपको वो टेन पावर माइनस से छोटी वैल्यू नहीं दी जाती है उसका रीजन है इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन पे बात नहीं होती आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन ही आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन ही दिए जाते हैं

और छोटी वैल्यू देने वाले नहीं इसका मतलब है कि आप जो भी सेक्शन आएंगे उसमें वाटर का डिसोसिएशन ना वाटर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो एच प्लस की तरफ होगा वो नेगेजिबल होगा मतलब उसके इक्विलिब्रियम को भी बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है बट माइंड में रखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो फसा ही सकते हैं कैलकुलेटिव पार्ट नहीं देंगे दोस्तों लेकिन कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो दे सकते हैं ना तो कॉन्सेप्चुअली तो फसा ही सकते हैं आपको सो अपने माइंड में जरूर रखिए कैलकुलेटिव पर्पज के लिए वाटर वाला नहीं यूज होने वाला

एक्स का यूज जो है आपको कब नहीं करना है तो आप जब केपी का फॉर्मूला जब केपी को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तब मत लिखिए एक्स के टर्म्स में अल्फा के टर्म्स में लिखिए एक्स का यूज करना कहां है सबसे ज्यादा यूज होगा जब आपको ना सिक्वेंशियल रिएक्शन होंगे सिक्वेंशियल मतलब कि जैसे आप देख रहे थे ना जो शुरू में दिखा रहे थे वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन तो भाई ये रिएक्शन जो शुरू में हम कर रहे थे हाँ ये ये सब जो चल रहा था हमारा जिसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जब हम समझ रहे थे ना तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के रूप में ये दोनों इक्विलिब्रियम है इन्हें हम सिक्वेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि ये देखो ये टूटेगा इसको बनाएगा और फिर ये सीक्वेंस में ऐसे बनाएगा तो ये सिक्वेंशियल रिएक्शंस भी है सिक्वेंशियल रिएक्शंस में या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के केसेस में हम एक्स यूज करते हैं वहां पर काम आसान हो जाता है बट बाकी सब जगह पर हमें केयर करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में काम करेंगे अगर नहीं भी पूछा है तो बाई डिफॉल्ट

C α, ऐसे आपने लिख दिया अब आप के ए की वैल्यू कैसे लिखोगे दोस्तों की वैल्यू लिखाएगी केल्टीप्लाइड बाई ए माइनस डिवाइडेड बाई एच एतना सी ये मल्टीप्लाइड आ जाएगी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा और पता है क्या वन इज टू टू टाइप अगर कोई रिएक्शन होगा उसका के सी ऐसा ही लिखाता है

बट अब आपको ध्यान रखना मतलब केपी डिफरेंट होता है ना केसी से तो भाई केसी अगर लिखाएगा वन टू टू टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए तो हमेशा ऐसे ही लिखाता है कोई तो टाइप रिएक्शन आ जाए तो केसी के लिए इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे पता है केसी ऐसे स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा तो क्या एच HFE एक वीक एसिड है ये कैसे टूटेगा ऑब्वियसली 1:2 टाइप HCN एक वीक एसिड है ये कैसे टूटेगा ऑब्वियसली 1:2 टाइप मोस्टली आपको जो दिए जाएंगे इस सेक्शन में पूरे आयनिक के सेक्शन में आयनिक के सेक्शन में 1:2 टाइप बहुत कॉमन है मैं इसे इक्विलिब्रियम से आपके आदत लगवा रहा हूं 1:2 टाइप ये रिएक्शंस आयनिक में बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट आयनिक में सो so, अगर मान तो ये भी तो, तो यही सब तो सबके लिए केसी का एक्सप्रेशन यही आने वाला है, है ना और सबके लिए वन एस टू टू टाइप के लिए आपको बताया टोटल मोल्स कितने आते हैं गाइस इनिशियल मोल मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस अल्फा आएगा ना टोटल मोल भी इतना आएगा सी इंटू वन प्लस अल्फा आ जाएगा चलो

ये वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आएगी ये अल्फा की जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, है, है दोस्तों जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर वन होगी या इक्वल टू में भी इसी को यूज करते हैं हम जब अल्फा की वैल्यू लेस देन जीरो पॉइंट वन होगी तो फटाफट आप वन माइनस अल्फा को वन लिख सकते हैं तब जब आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना दोस्तों वो आएगी रूटेंडर के बाई सी छोटू मोटो सी छोटू मोटो मोटोशन रूटेंडर के बाईसी और ये लोग बहुत याद रखते हैं इनफैक्ट लोगों को कभी भी वीक एसिड दे दीजिए वो इसी का नाम लेते हैं कि अल्फा ऐसे लिखाता है तो बहुत आसानी से उनको फंसा सकते हैं जब अल्फा ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वन होगा तो बड़े आसानी से फंसा लेते हैं तो वीक एसिड वाला सेक्शन ना लोगों को लगता है कि आयनिक में उनको ये सेक्शन पसंद होता है आसान सा लगता है उनको लगता है छोटो सा फॉर्मुला लगाना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो उससे काम बन जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकल गया सो तो सारा देखना कोई भी बोलेगा पी एच निकाल लें तो सी अल्फा कर देंगे सी सी अल्फा अल्फा से से एच एच प्लस प्लस आ आ जाएगा और से पी एच आ जाएगा जाएगा और कोई बोलेगा नहीं दूसरे की वैल्यू बताओ तो वो भी सी अल्फा हो जाएगा। सो अल्फा निकालना आसान है वीक एसिड में सो यार कुछ भी काम आसान है तो वो इसी पे चले जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इस एक्सप्रेशन से आप यहां पर तभी पहुंचते हैं जब ये ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है अगर वो अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं हुआ ये वैलिड होगा एक्सप्रेशन

देख लेते हैं थ्री फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी पर इसे क्लोज करना था ओके okay, अभी हमारे पास है पांच दस मिनट सो वी कैन डू है ना सो मोर वर्क ओके सो यार चलो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइन ये चौफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस है फर्स्ट 0.1 एम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और एसिटिक एसिड का के बहुत फेमस है बहुत बार आता है इसकी के वैल्यू दे दी है 1.8 10 पर माइनस -5 ठीक है so, सो अगर 0.1 एम एसिटिक एसिड की के की वैल्यू दी के की वैल्यू भी पता है आपको और पीएच निकालना है सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे देखो यहां पर

So, समझ में आ गया कि यार अगर मैं ये अप्लाई करूंगा ना रूट अंडर के बाई सी इससे फटाफट पता चल जाता है तो एक बार फिर से मैं साफ सुथरे तरीके से लिख दू अंडर के ऐसे लिखे अप्लाई एंड फाइंड फाइंड विच कैटेगरी इस

चेक करने की ट्रिक है हाँ ये बात अलग है कि जब हम निकालते है, अल्फा अल्फा हैं अल्फा लेस देन के लिए जो अल्फा का बनाते हैं, वो इसी से अगर आप इसे चेक कर रहे हैं तो सर आप पहले से कन्फर्म थे क्या कि अल्फा लेस आएगा नहीं मैं कन्फर्म नहीं था बट हमने ये पाया कि ये इस रेशियो से रूट इस, अंडर इस, इस की इस वैल्यू से फर्मेशन हो जाती है कि अल्फा अल्फाइज वन आएगा कि नहीं आएगा अगर अल्फा जीरो पॉइंट वन से छोटा आता है तो हम जाते हैं अल्फाइज जीरो पॉइंट वन के ही सारे फॉर्मूले अप्लाई करके फिर सारे आंसर निकालते हैं लेकिन अल्फा अल्फाइल नहीं आएगा फिर हम समझ जाएंगे अपने आप के ऑटोमेटिकली कि अल्फा इस कैटेगरी से है तो हमें पूरा क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा और कौन सा क्वाड्रेटिक ये वाला क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा और फिर उससे अल्फा निकाल के एच प्लस निकाल के पी एच निकालेंगे ऐसे चलेगा ठीक है बट हमने ट्रिक लगाई पहले इसे चेक कर लिया कि अल्फा अल्फाइज वन है कि नहीं तो हाँ है अल्फा so, की वैल्यू भी निकाल दो अल्फा की वैल्यू निकाला वन पॉइंट एट इंटू टेन पर माइनस फोर आप निकालेंगे इसको तो वन पॉइंट एट इस क्लोज टू टू है ना वन पॉइंट फोर वन फोर आना चाहिए नहीं आएगा वन पॉइंट थ्री समथिंग आता है थ्री फाइव थ्री सिक्स थ्री सेवन थ्री एट ऐसा कुछ आएगा थ्री फाइव के अराउंड मान लेते हैं टेन पर माइनस टू ठीक है ये अल्फा की वैल्यू इससे एच प्लस की वैल्यू आ गई एच प्लस की वैल्यू कितनी आ गई सी अल्फा अब सी अल्फा में सी देखो कितना है सी की वैल्यू कितना है तो सी की वैल्यू जीरो पॉइंट वन दी गई थी पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर दो वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन पर माइनस थ्री एच प्लस की वैल्यू आ गई तो मैं पी एच निकालूंगा पी एच कितना आ जाएगा आएगा पी एच आ जाएगा एच प्लस की वैल्यू आ गई है वन पॉइंट थ्री फाइव टेन माइनस थ्री सो पी एच की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस लॉग ऑफ वन पॉइंट थ्री फाइव लॉग so, की वैल्यू होती है जीरो जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी की आपको लगाने आती है या नहीं आती है ये भी जरूर बताएगी तो पी एस टू पॉइंट एट सिक्स के आसपास आ रहा है, है ना यस yes. एक बार रिवाइंड करें हम जीरो पॉइंट वन एम था हमने अल्फा की वैल्यू देखी अल्फा की वैल्यू आ गई छोटी H प्लस निकाला H प्लस जो है वो सी ओके? और H प्लस जब सी एल हो गया तो पीएच की वैल्यू ये आ गई ठीक है इसी तरह से, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाए फाइन पीएच ऑफ पहला जीरो पॉइंट वन एम एच सी एन जिसकी के वैल्यू टेन बार माइनस नाइन अप्रोक्स आपको दे दिए 0.1 m HF कर देते हैं टेंबर माइनस फोर इसका बार के वैल्यू टेंबर माइनस फोर लेके बना दीजिए होता नहीं है HF अप्रैक्सिमेटली ये काम कीजिए फॉर्मिक एसिड डी का बना दीजिए ना सही है ठीक है इन दोनों के लिए वैल्यू निकालिए अब आगे देखिए जैसे वीक एसिड तक मैंने अभी डिस्कशन कर लिए वीक एसिड किस तरह से आप वीक एसिड के सॉल्यूशन को किस तरह से डील करते हैं सो so, अब थोड़ा मिक्सचर के बारे करेंगे, और में और नेक्स्ट क्लास में देखिए हम मेनली फिर करने वाले हाइड्रोलिसिस का सेक्शन और बफर का सेक्शन है ना बफर सॉल्यूशन ये अभी तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट तो मैं छोड़ भी दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हो गए लेंदी टाइम हमने दिया इस पर तो आज पूरी तरह से मैंने ना एकदम बेसिक बातें जो आईनी की होती हैं पूरी डिस्कस करने की कोशिश की है कि यार ये कोई भी बंदा अगर ये सोचे कि मुझे पढ़ना है आई यू के लिए भी पढ़ना है तो एक बेस क्या होना चाहिए आइनी का वो देने की कोशिश की मैंने और क्यों कि इक्लिब्रियम वाले सेक्शन पर मैं इतना मेहनत क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि यार अगर कुछ फिजिकल में है तो वो तो इक्लिब्रियम है थर्मो है इलेक्ट्रो है यही है घुमा फिरा करके बाकी चैप्टर से कहाँ लोग ज़्यादा डरते हैं है ना आर्म गार्डन देखिए वो आपने पूछ लिया तो आपको बता दे वैसे कम्युनिटी पेज पर ये लगने वाला है आयु किसी के लिए ये चैप्टर्स में कर रहा हूँ देखिए इक्विलब्रियम पूरा थॉरोली इक्विलब्रियम है इक्विलब्रियम में दोनों आते हैं ना केमिकल कर चुके हम लोग आयनिक कर रहे थर्मो इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेशन प्लस ऑर्गेनिक पूरी क्यों अच्छा और दूसरे चैप्टर दूसरे चैप्टर की सॉल्विंग करेंगे थॉरली इंपॉसिबल है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा बट सॉल्विंग करेंगे और बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्विंग करेंगे और देख लेंगे कि आपसे कहां पे गलती हो रही है वो बातें आपको बता देंगे आपका एग्जाम है देखिए एग्जाम डेट है एग्जाम डेट है ना सिक्स जैन सॉरी होता तो आप तो हार्ट अटैक है सिक्स है ठीक है सो काइंड ऑफ है कि आपके पास चलो कि थर्टी फाइव डेज है लेकिन हम मान रहे हैं चलो थर्टी डेज है फाइव डेज तो आपने वेस्ट कर दी है काउंट ही मत करो इतने तो आराम से वेस्ट होंगे कहीं आप घूमने चले जाओगे कुछ कर लोगे पता नहीं क्या कर लोगे कुछ भी कर लोगे आप वेस्ट करने के तो बहाने थोड़ी ना होते कितने भी होते हैं करी लोग ठीक है सो so,

इनफैक्ट कि वो सेकंड मैं जो भी काम करा रहा हूँ वो दोनों पेपर के लिए देखा आई यू पी सी दैट मीन्स के बहुत पेपर हैं एन एस सी सी प्लस आई एन दोनों है दोस्तों एक नहीं है दोनों है ठीक है और इस पर मैं ये भी बोलूंगा कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर ऐड हो जाएगा अच्छा वी ओ एस का टेलीग्राम ग्रुप वी ओ एस के अपने टेलीग्राम ग्रुप में एडेड जरूर रहिएगा अब इसका

काइंड kind ऑफ of है के ना लिखना ना लिखना बराबर है काइनेटिक्स से कोई डरता नहीं है केमिकल <laughs> काइनेटिक्स से कोई डरता नहीं है है ना कोऑर्डिनेशन तो होनी है करेंगे ना ढंग से करेंगे मतलब ऐसा मैं इतना मतलब लेंदी क्लास लगाने का पर्पस क्या होता है देखो हमेशा ना मैं आप देखो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखोगे कि पहली क्लास जो थ्री आवर्स थे मैं एकदम उस पर बेस डेवलप करा देता हूँ सोचोगे कैसे चलोगे कैसे पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब भाषण दे तो, देता हूँ डन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो जो सॉल्विंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं प्रैक्टिस प्रोटोकॉल्स वो बता देता हूँ तो प्रैक्टिस करने जाओगे प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे डेवलप करा दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग के अब बता दूंगा अप्रोच बता दूंगा उसके बाद थर्ड वाले क्लास में सॉल्विंग बहुत अच्छे से आपके लिए अगर आप इतने भी ध्यान दोगे तो मैं पूरा पूरे बेस मतलब बहुत है कोई देखो आई देने जा रहे हो थो, तो थोड़ी तो हल्की सी तो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है आपसे तो अगर आप में वो वो हल्का सा भी स्पार्क है थोड़ी सी मैच्योरिटी है आप लेक्चर्स के साथ कर लोगे बिंदास अभी तो सबसे अच्छी बात क्या है सबसे धमाकेदार बात क्या है कि बोर्ड के जो कल जो अनाउंसमेंट हो गया है उसके बाद तो जब आपका बोर्ड मई में है तो यार आप ना बहुत प्यारे तरीके से आयु की जी आयु की पर फोकस्ड हो सकते हो बिल्कुल बट देखो आर्मागन आर्नोल्ड भाई अगर नहीं भी हो पाता है ना सपोज दैट कि भाई चलो ट्राई कलर जो है अपना होल्ड नहीं भी कर पाते हो जापान में वो एक बड़ी चीज़ है और टफ भी है नहीं भी हो पाता है तो आप जो प्रिपरेशन से जो आप इंसान बनोगे ना वो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा आप यूनिक बनोगे अलग बनोगे और जो फर्दर आगे फ्यूचर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप बहुत मजबूत हो जाओगे ओलम्पियाड के लिए पढ़ते ही कहाँ लोग हैं आप पढ़ने की सोच रहे हो वैसे ही आप अलग हो गए तो आप प्रिपेयर करते हो और भी ज्यादा आप जो एलिट एलिट क्लास है उसमें आ जाते हो आप है ना यार फिफ्टी थाउजेंड तो स्टूडेंट्स बैठेंगे जहाँ पर टेन लाख तो कम से कम होते हैं बोर्ड एग्जाम वाले ट्वेल्थ वाले वहां पर फिफ्टी थाउजेंड तो बैठेंगे सिर्फ ओलम्पियाड्स के लिए और फिर उसमें से सिलेक्शन होगा तो काइंड ऑफ है ए आप ऑलरेडी एलिट क्लास में है लोग हैं नहीं जागरूक ही नहीं है तो यही तो हमारे चैनल का पर्पज भी है कि हम इस साल जो है लाए के लोग जो है अवेयर हो जाए समझ रहे हैं? आर्म तब तो आपके लिए और भी अच्छी बात है तब तो आप कंटिन्यू करना जो भी जो भी हमारे वाला जो कंप्लीट कोर्स लॉन्च होगा यूट्यूब पर आप उसको फॉलो कर लेना लेनाथ ट्वेल्थ वाले है ना आज मेंटी है जी मोक्षित रेड्डी आज मेंटी हाई जी नहीं जी मेंटी नहीं, नहीं है <laughs> आज प्योर पढ़ाई थी एकदम तो प्योर पढ़ाई कुछ भी नहीं ठीक है चलिए सो so भाई ये मैंने एक बार फिर से रिपीट किया हम ऐसे ही चलने वाले ये सबसे स्मार्टेस्ट स्टड है कि इन पर फोकस हो जाइए और बाकी जो जो भी आप प्रिपेयर करते हैं बोर्ड बोर्ड के लिए वो आपका साथ देगा ही इवन कि मैं भी बीच में जो सॉल्विंग कराता हूँ तो अलग अलग चैप्टर के जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं हम लोग एन का जैसे मैंने सॉल्व किया जो ए टी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे आई जिस दिन होगा आई में तो खैर जनता ही नहीं आएगी क्योंकि लड्डू गोपाल सब गायब हो क्योंकि वो क्वेश्चन ही आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा वो इतने लॉन्ग और टी होंगे बट स्टिल हम तो करेंगे भाई ये चैनल ही है दमदार लोगों का और नीट तो लोग करते ही रहते हैं और वो तो कोई भी कर लेता है कोई भी नहीं करता है कुछ लोग करते हैं है ना ये डिफरेंट बात है हाँ जी बहुत अच्छा आर सो भाई वो स्मार्ट स्ट्रेटजी के इनको फॉलो कीजिए आपके पास थर्टी डेज है बहुत आराम से कर सकते सबसे स्कोरिंग है और अपने इसके साथ चलिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि कैसे एक क्लास में एकदम बेस तैयार करते हैं दूसरे में आपको अप्रोच बताते हैं और तीसरे में सॉल्विंग करते हैं इक्लेबेम की सॉल्विंग अभी भी जो लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी वो फिनिश करेंगे आइनिक के साथ ही ठीक है बहुत कुछ आप सीखेंगे इसमें चलो चलते हैं अभी ठीक है चलते बाय केयर लव यू नहीं 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 डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है एकदम जोश हाई रखना है डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना भाई पहले पहले ट्राई करना मंजिल तक पहुंच जाए उसके बाद ही कोई और काम बिल्कुल अभिषेक थैंक्स भाई लव यू सो मच स्कॉ गिटार बाय टेक केयर कह दूँ तुम्हें या चुप रहा हूँ दिल में